नमस्ते आपका इस नेक्स्ट फ्लो और एन एफ कोर समुदाय द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण में फिर से स्वागत है आज हम दूसरे सेशन के साथ इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मेरे बारे में मेरा नाम अभिनव शर्मा है और फिलहाल मेरी दो अफिलिएशंस हैं पहली पी एच मैं अभी पी एच डी स्टूडेंट हूँ स्टेलन बॉश यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में और इसके साथ साथ मैं बायफॉर्मेटिक्स कंसल्टेंसी ऑफर करता हूँ बायोशाप डॉट नेट के माध्यम से आ, अगर आप हिंदी में बायोन्थोमेटिक्स ट्यूटोरियल्स के में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं हमारा गोल यह है कि हम कटिंग एज नॉलेज को एक सरल और कंफर्ट कम, लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाएँ इसके साथ हम कल का एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं सेशन वन कल की मेजर थीम थी हमारी नेक्स्ट फ्लो बेसिक्स जिसमें जिसके अंतर्गत हमने नेक्स्ट फ्लो का इंट्रोडक्शन करा था एक स्लाइड को यूज़ करके हमारा मेजर फोकस ये है कि नेक्स्ट फ्लो ताकि हम आप तक ये कन्वे कर सकें कि नेक्स्ट फ्लो आपको ओपन और रिप्रोड्यूसिबल साइंस करने में कैसे मदद कर सकता है आ, इसके बाद हमने नेक्स्ट फ़्लो की एक छोटी सी स्क्रिप्ट के साथ काम करा कर था हेलो डॉट एन एफ जिसके थ्रू हमने कुछ कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था उसके बाद हमने स्टेप बाई स्टेप तरीके से एक आर एन पाइपलाइन को डेवलप करा था तो अगर आप उन कॉन्सेप्ट से कम्फर्टेबल हैं तो डेफ़िनेटली हम आगे बढ़ते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स है कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप हमें आ, हमारे स्लैक चैनल्स पर रीच आउट कर सकते हैं मैं आपको अभी उसकी डिटेल्स दूँगा आज का हमारा मेन गोल ये है कि हम एन एफ कोर कम्युनिटी के बारे में आपसे बात करें उसे इंट्रोड्यूस करें और अगर आप एन एफ कोर कम्यूनिटी को एज़ ए यूज़र इंटरेक्ट uh, करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हैं अगर आप एज ए डेवलपर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस कम्युनिटी में तो आप कैसे कर सकते हैं इसके साथ साथ हम एन एफ़ कोर के दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे मॉड्यूल्स uh, और सब वर्क क्लोज जिनका बहुत यूज़ होता है एन एफ कोर की पाइपलाइंस के अंदर लेकिन ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो आप इन्हें अपनी पाइपलाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इस इवेंट के दौरान कोई भी दुविधा है कोई भी सवाल है तो आप हमें हिंदी स्लैक चैनल पर रीच आउट कर सकते हैं मार्च 23 ट्रेनिंग हिंदी इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन को लेके तो आप हमसे इंग्लिश में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं यह ट्रेनिंग हमने पांच भाषाओं में आयोजित की है इसलिए हमारे पास पांच सेपरेट चैनल हैं हर एक चैनल में कुछ वॉल्टियर्स हैं जो आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इसके साथ हम आज की आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं आज के लिए हम एन एफ़ कोर की वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे जिसका लिंक है एन एफ डॉट एन एफ सी ओ डॉट आर ई तो आइए स्टार्ट करते हैं जैसे ही आप एन एफ़ कोर की वेबसाइट को अपने ब्राउज़र पर खोलेंगे आप कुछ इस तरह का कंटेंट देख सकेंगे आ, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड वाइट कलर का हो या लाइट बैकग्राउंड हो Uh, वो आपके कंप्यूटर की थीम पे डिपेंड करता है मेरे लिए बैकग्राउंड डार्क है uh, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम है तो आप देख सकते हैं कि एन कोर की जो टैग लाइन है वो है अ कम्युनिटी एफर्ट टू कलेक्ट अ क्यूरेटेड सेट ऑफ एनालिसिस पाइपलाइंस बिल्ट यूजिंग नेक्स्ट फ्लो तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि कम्यूनिटी का कम्युनिटी एन कोर में मेजर रोल प्ले करती है और कम्युनिटी का गोल ये है कि वो अनालिस हाई क्वालिटी अनालिस पाइपलाइंस को डेवलप कर सके क्यूरेट कर सके नेक्स्ट फ्लो का यूज़ करते हुए तो आइए देखते हैं कि आ, हम एन एफ के बिल की फंक्शनैलिटी को और जो टूलिंग है उसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एन एफ जो है फैसिलिटीज़ के लिए कैसे हेल्प कर सकता है जैसे अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एन एफ कैसे हेल्प कर सकता है कि जो एन एफ़ कोर की सारी पाइपलाइंस हैं वो हाईली ऑप्टीमाइज हैं इसका मतलब अगर चार सी पी यू चाहिए उस पाइपलाइन या उस प्रोसेस को रन करने के लिए तो वो ऑप्टीमाइज है आ, इसके साथ साथ वो पाइपलाइन एक्सीलेंट रिपोर्टिंग ऑफर करती है हर एक एन एफ़ कोर पाइपलाइन एक्सीलेंट रिपोर्टिंग ऑफर करती है ताकि एंड में आपके पास एक सिंगल रिपोर्ट आए जिसमें आप ज़्यादातर अपने पूरे पाइपलाइन के एग्जीक्यूशन और सैम्पल्स के एनालिसिस को समराइज़ कर सकें इसके साथ हम हर हर एक रिलीज़ को वैलिडेट करते हैं मैं इसके बारे में और बात करूंगा आगे लेकिन अभी के लिए हम कवर करते हैं कि एन एफ़ कोर को यूज़र्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो यूज़र्स का मतलब जनरली यहाँ पे है कि अगर आप एन एफ़ कोर की किसी पाइपलाइन को रन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक पाइपलाइन के यूज़र हैं और एन एफ कोर आपके परस्पेक्टिव से क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है आपको वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेड एंड ईजी टू यूज़ वर्क इसका मतलब ये कि जो भी पाइपलाइंस आप यूज़ करना चाहेंगे एन एफ कॉर की गारंटी है कि उस पाइपलाइन की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी यूसेज uh, डॉक्यूमेंटेशन उसके पैरामीटर डॉक्यूमेंटेशन ट्रबल शूटिंग डॉक्यूमेंटेशन वो सब आपको उस पाइपलाइन के पेज पे मिलेगा हम थोड़ी देर में उस पाइप कुछ एग्जाम्पल पाइपलाइंस के पेज देखेंगे और अगर आप एन एफ़ कोर के साथ एज अ डिवेलपर कनेक्ट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपके लिए uh, बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके कॉमन और रिपेटेटिव टास्क को सिम्प्लीफाई करने में हेल्प कर सकते हैं एन uh, एफ की पब्लिकेशन नेचर बायोटेक्नोलॉजी में uh, हुई है ये मैंने आपको पहले सेशन में बताया था तो आप इस पेपर को यहाँ देख सकते हैं या फिर पहले सेशन को आप वो पर्टिकुलर सेक्शन आप फिर से देख सकते हैं एन एफ पाइपलाइंस जो है वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बेसिस पर बनाई जाती हैं जो कि है डॉक्यूमेंटेशन ताकि जो भी पाइपलाइन का यूज़ करना चाहे या समझना चाहे कंट्रीब्यूट करना चाहे उसको डॉक्यूमेंटेशन की कमी ना हो सी uh, टेस्टिंग एक मेजर फीचर है हर एक पाइपलाइन का क्योंकि जैसे ही पाइपलाइन की कोई स्टेबल रिलीज़ होती है जैसे कि यहाँ लिखा है स्टेबल रिलीज़ होती है गिटहब पर गिटहब हमारा एन एफ कोर का वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट और होस्टिंग सोलूशन है तो जो भी कोड रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो गिटहब पे है तो जैसे ही गिटअप पे एक पाइपलाइन की स्टेबल रिलीज आती है ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रिगर होते हैं ताकि हम ये देख सकें कि पाइपलाइन में पाइपलाइन की नई रिलीज़ में कुछ ब्रेक तो नहीं हुआ और वो हर जगह पे पोर्टेबल है और रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है तो इसके साथ साथ पैकेज सॉफ्टवेयर एन एफ कोर की पूरी कोशिश है कि वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रिप्रोड्यूसिबिलिटी को लेके उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करें इसका मतलब ये है कि कोंडा और कंटेनर सिस्टम्स लाइक डॉकर और सिंगुलैरिटी इनका पूरी तरह से एनएफ़ कोर यूज़ करता है और हर एक पाइपलाइन के प्रोसेस को आप और हर एक पाइपलाइन को आप कॉन्डा के थ्रू रन कर सकते हैं डॉकर के थ्रू रन कर सकते हैं सिंगुलैरिटी के थ्रू रन कर सकते हैं आ, ये सब आप एन एफ कोर आपको एक तरह से गारंटी करता है इसके साथ साथ पोर्टेबल और रिप्रोड्यूसिबल एनालिसिस और पाइपलाइंस की आ, एन एफ कॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी पाइपलाइन एन एफ कॉर के पेजेस पे है या एन एफ़ कर कम्यूनिटी के अंदर है वो पाइपलाइन जो है बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करे और वो हंड्रेड परसेंट रिप्रोड्यूसबल हो और पोर्टेबल हो क्योंकि अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसज़ नहीं फॉलो करते तो हो सकता है कि जो हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉजिक है कन्फिग्रेशन का लॉजिक है वो ओवरलैपिंग है पाइपलाइन uh, के लॉजिक से तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि अब अगर ये दोनों चीज़ें सेम लेवल पे हैं तो उस पाइपलाइन को अगर आप दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करना चाहें या कोई दूसरे कोलैबोरेटर्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन रन करना चाहें तो वो नहीं कर सकते इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हैं इसके साथ साथ पाइपलाइंस की रिलीज़ेज़ को हम क्लाउड पर भी टेस्ट करते हैं ए डब्ल्यू एस एजोर गूगल क्लाउड तो जैसे ही आ, कोई स्टेबल रिलीज आती है तो हम उसे बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में टेस्ट करते हैं आ, छोटे डेटा सेट्स के साथ और बड़े डेटा सेट्स के साथ सब कुछ आ, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसे एंड टू एंड कवर करें डेवलपर्स और कम्युनिटी एन एफ कोर का मेजर फोकस है एन एफ कोर खाली पाइपलाइन की रजिस्ट्री नहीं है जैसे कि डॉकर रजिस्ट्री हो गई या फिर कोड रजिस्ट्री हो गई एन एफ कोर हंड्रेड परसेंट ड्रिवन है कम्युनिटी प्रोसेस से और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कोलाब्रेशन इस कम्युनिटी के अंदर फैसिलिटेट करें जिसका मतलब ये है कि अगर लोग कम, कम, इस कम्युनिटी में लोग कोलाबरेट करना चाहते हैं तो उनके पास एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो जो हम कहते हैं टेम्पलेट पाइपलाइन का टेम्पलेट या मॉड्यूल का टेम्पलेट या सब वर्क फ्लो का टेम्पलेट तो हम इन कॉमन टेम्पलेट्स के बेसिस पे कोलाब्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं आ, इसके साथ डोंट डुप्लीकेट एक मेजर इथॉस है इस कम्यूनिटी का इसका मतलब यह है कि अगर एक रिसर्च ग्रुप और दूसरा रिसर्च ग्रुप सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है सिमिलर टूल्स को यूज़ करके तो शायद बेहतर है कि वो एक पाइपलाइन पे काम करें और उसमें कुछ ऑप्शनल या आल्टरनेटिव वर्क फ्लोज को इम्प्लीमेंट करें ताकि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों एक ही पाइपलाइन को यूज़ करें चाहे वो डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ हो तो ये एक मेजर फोकस है कोलाबोरेशन का हमारा इसके साथ मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि एन एफ़ कोर वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर खासकर uh, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अलग अलग तरीके से uh, अलग अलग कॉन्टेक्ट्स को कवर करते हैं जैसे एक बाइट साइज़ टॉक हो गया जो शॉर्ट टॉक्स होती हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स कुछ ट्यूटोरियल टाइप के वीडियोस हैं और इसके साथ साथ पाइपलाइन स्पेसिफ़िक वीडियोस भी हैं uh, तो अगर आप uh, इन वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली एनएफ कोर के यूट्यूब चैनल पर जाइए वहाँ पर आपको इन सब वीडियोस का एक्सेस वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा इसके साथ अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में कर्ल या नेक्स फ्लो और जावा और पाइथन पेप पहले से इंस्टॉल है तो आप आपके लिए गेटिंग स्टार्टेड बहुत इजी है आपको बस नेक्स्ट फ्लो इंस्टॉल करना है और आप कोई भी एन कोर की पाइपलाइन रन कर सकते हैं आ, उसके साथ साथ आप अगर एन कोर टूलिंग को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम सिर्फ एन कोर है तो आप एन एफ़ कोर के जो पूरा एको सिस्टम है कि मॉड्यूल्स हो गए वर्क फ्लोज हो गए पाइपलाइंस हो गई उन सब को उन सब के साथ इस सिंगल कमांड लाइन टूल के के ज़रिए आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं दुनिया में जो एन एफ़ कोर के पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पास्टर और ये इंटरनेशनल है क्योंकि इसमें दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स हैं कमर्शियल और यूनिवर्सिटीज़ तो एन एफ कॉर जो है एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ पाइपलाइंस है आप इन पाइपलाइंस पर भरोसा करके अपने एनालिसिस को रन कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शंस को एक्सप्लोर करने की तरफ अगर आप पाइपलाइंस की टैब पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पाइपलाइंस अभी अवेलेबल हैं लगभग सेवेंटी सिक्स जिन से फोटी सिक्स रिलीज हैं जिनमें से सत्रह अंडर डेवलपमेंट है और तेरह पाइपलाइंस आर्काइव हो चुकी हैं क्योंकि अब आ, उनका यूसेज इतना नहीं है या फिर उनका जो कॉन्टेक्स था वो दूसरी पाइपलाइन ने अप कर लिया है तो अगर आप खाली रिलीज पाइपलाइंस को देखना चाहें तो आपको एक तरह से सब खाली रिलीज को इनेबल करना होगा बाकियों को डिसेबल करके तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पाइपलाइंस रिलीज रिलीज हैं और ये फुल्ली सपोर्टेड पाइपलाइंस हैं जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं आज भी तो अगर आप देखना चाहें एक एग्ज़ाम्पल पाइपलाइन का हम ले सकते हैं कोई भी पाइपलाइन ले सकते हैं हम तो शायद पहली पाइपलाइन ले लेते हैं और जैसे ही इस पाइपलाइन का स्पेसिफ़िक पेज खुलता है हम देख सकते हैं कि उसमें और भी टैब्स अवेलेबल हैं जैसे इंट्रोडक्शन रिजल्ट यूसेज एक्सेट्रा हम इन टैब्स को अभी कवर करेंगे उससे पहले मैं यह हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जैसे ही पाइपलाइन का पेज खुलेगा उस पाइपलाइन की टैगलाइन आपको दिखेगी और उसके साथ साथ आप ये एक लॉन्च बटन देख सकते हैं ये एन एफ कोर टूल्स को टूल्स के साथ लॉन्च है लेकिन एक पाइपलाइन को लॉन्च करने के और भी तरीके हैं जिन्हें मैं अभी कवर करूँगा इसके साथ साथ मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप बैग के अगर आप एक पिछले वर्जन को कवर करना चाहें या पिछले वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहें वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो आप जैसे देखना चाहें अगर डॉक्यूमेंटेशन 3.0.0 की तो आप यूआरएल भी चेंज होगा थोड़ा और आपको ये मैसेज भी दिखेगा कि लेटेस्ट टेबल रिलीज नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने अपना वर्जन फिक्स कर लिया है तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए तब भी हमेशा अवेलेबल है इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं इस पाइपलाइन की गिठब लोकेशन आपको दिखेगा गेट हब यू और इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि इस पाइपलाइन के बारे में एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन है उसके नीचे हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई उसके साथ हमने पाइपलाइन समरी कवर करी है ताकि उस समरी के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेप में जो भी टूल्स यूज हुए हैं या फिर जो भी ऑल्टरनेटिव या ऑप्शनल टूल्स हैं वो भी आपको एक समरी के अंदर सब जल्दी से विजिबल हो इसके साथ साथ आप राइट हैंड साइड पर ये देख सकते हैं कि और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अगर आप इस पाइपलाइन को एन एफ कोर टूल्स के साथ रन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट फ्लो के साथ रन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं या फिर अगर आप इसे टावर के साथ रन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं टावर सी एल आई यहाँ पर बात हो रही है अभी हम बात करेंगे अगले सेक्शन की इस पेज के अंदर जैसे फंक्शनैलिटी ओवरव्यू है ये डायग्राम अगर आपने एक डार्क बैकग्राउंड के साथ खोला है तो शायद ये अच्छे से ना दिखे इसलिए मैंने अभी अपना बैकग्राउंड भी चेंज करा है लाइट बैकग्राउंड पे तो अब ये डायग्राम मुझे और जो भी टेक्स्ट है डायग्राम में मुझे अच्छे से दिख रहा है uh, यहाँ पे आप फंक्शनैलिटी ओवरव्यू देख सकते हैं हमारी पूरी कोशिश है कि हर एक पाइपलाइन के पास एक ये इस तरह का टनल डायग्राम अवेलेबल हो ताकि अगर कोई जल्दी से इस पाइपलाइन के बारे में समझना चाहता है तो वो समझ सके कि ऑल्टरनेटिव क्या हैं और ऑल्टरनेटिव uh, पाथवेज़ क्या हैं इस पाइपलाइन के अंदर इनपुट क्या एक्सपेक्टेड है किस स्टेज पर तो ये सब कुछ आप इसके पाइपलाइन के लैंडिंग पेज या होम पेज पे देख सकते हैं इसके साथ हमने क्विक स्टार्ट भी ऑफर करा है जब जो आपकी uh, जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको यहाँ पे सब्सटिट्यूट करके जैसे इसकी जगह आप लिख सकते हैं डॉकर कौंडा उसके साथ आप इस पाइपलाइन को टेस्ट प्रोफाइल रन कर सकते हैं अगर आप अपना खुद का डेटा यूज करना चाहते हैं तो आपको इस पाइपलाइन की डॉक्यूमेंटेशन जैसे यूसेज पैरामीटर्स को देखना होगा अगर आप इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना सीखना चाहते हैं तो आपको इसके आउटपुट को देखना होगा अभी हम उसके बारे में बात करेंगे आ, इसके नीचे हम क्रेडिट्स ऐड करते हैं तो जो भी इस पाइपलाइन में कम्युनिटी का जो भी मेंबर इस पाइपलाइन में कंट्रीब्यूट करता है उसका नाम हम यहाँ पर ऐड करते हैं और अगर आप इस पाइपलाइन को या एन कोर को साइट करना चाहते हैं तो साइटेशंस भी हम आ, एक सेक्शन में स्पेसिफाई करते हैं इसके साथ हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अगली टैब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ए डब्ल्यू एस तो शायद आपको याद हो कि हमने बात करी थी कि एन कोर के हर एक पाइपलाइन की स्टेबल रिलीज़ को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट करते हैं उसके साथ साथ अगर वो पाइपलाइन ए पे रन करी गई है तो उसका सैम्पल रिज़ल्ट भी यहाँ पर अवेलेबल होगा आप इसे क्लिक कर सकते हैं और उन रिपोर्ट्स को इसी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जैसे आप न, अगर नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे रिपोर्ट खुल गई है तो आप यहाँ पे उस रिपोर्ट उस पाइपलाइन के रिजल्ट का एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपको किस फोल्डर के अंदर किस तरह का रिजल्ट मिलेगा Uh, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं सब इन सब चीज़ों को नीचे आके इन ऑप्शंस का यूज़ करके लेकिन अगर आप आ, इस पाइपलाइन के कन्फिग्रेशन को चेंज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो हम आ, यूसेज और पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन यहाँ पे भी है लेकिन वो पैरामीटर स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन सेक्शन है आप Uh, उस पाइपलाइन की सैम्पल शीट के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ ले सकते हैं और कुछ स्टेप्स को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है uh, इसके साथ आप ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक ओवरऑल मेन्यू uh, है जिसे आप यूज़ करके दूसरे सेक्शन पर जम्प कर सकते हैं तो नेक्स्ट फ्लो स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स भी हमने मैंशन करे हैं और पाइपलाइन स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं उनके बारे में भी बात करिए अगर आप कस्टम कन्फिग्रेशन करना चाहें एक नए प्लेटफॉर्म के लिए तो आप इस पाइपलाइन को चेंज करें बिना भी आप उस कन्फिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे ट्रबल शूटिंग की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है आप इसे एचर पे कैसे चलाना चाहें या फिर एक पाइपलाइन को बैकग्राउंड में कैसे चलाना चला सकते हैं उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन ऐड करी है इसके साथ हम अगले टैब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पैरामीटर्स अगर आप पैरामीटर्स टैब पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पाइपलाइन के सारे पैरामीटर्स जो भी नेसेसरी पैरामीटर्स हैं या उनके डिफॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो सब कुछ इस पेज पे आपको अवेलेबल है जैसे कि एक इस पाइपलाइन का नैनोसिक पाइपलाइन के पास एक इनपुट पैरामीटर है जो ज़्यादातर एन एफ कोर पाइपलाइंस में है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी uh, मैं ये भी uh, ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि रिक्वायर्ड टैग जिन पैरामीटर्स पे लिखा है अगर वो प्रोवाइड uh, नहीं करे गए और आप टेस्ट प्रोफाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं आप अपने डेटा के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पाइपलाइन स्टार्ट uh, होने से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं और वो पैरामीटर वैलिडेशन स्टेज पे पाइपलाइन एग्जिट कर जाएगी Uh, इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड मेन्यू है वो आपको पैरामीटर uh, ग्रुप्स के हिसाब से जंप करने में हेल्प कर सकता है जैसे वेरिएंट कॉलिंग के ऑप्शंस हो गए आप कौन कौन सा वेरिएंट कॉलर यूज़ करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे अल्टरनेटिव्स अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और डिफॉल्ट uh, भी अवेलेबल है तो इस ऑप्शंस इन ऑप्शंस के थ्रू इन पैरामीटर्स के थ्रू आप जो है अपने इस पाइपलाइन को अपने डेटा के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स कॉमन हैं जो कि पाइपलाइन स्पेसिफिक नहीं है लेकिन वो एक पाइपलाइन को आ, किसी भी एन एफ पाइपलाइन को इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक्स्ट्रा डिटेल्स देने में हेल्प कर सकते हैं जैसे कि कॉन्फ़िग प्रोफाइल नेम मैक्स सी पी यूज़ मैक्स मेमोरी मैक्स टाइम तो शायद जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन करना चाहें आपके लिए ये यूजफुल हो सकता है Uh, कुछ पैरामीटर्स हिडन हिडन भी होते हैं जो कि uh, आपको नॉर्मली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं इसके साथ हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आउटपुट तो हर एक पाइपलाइन का आउटपुट क्योंकि हर पाइपलाइन एक स्पेसिफिक पर्पज़ से डिज़ाइन करी गई है उसका आउटपुट भी डिफरेंट होगा तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट टैब है उसके अंदर हमने पूरी कोशिश करी है कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि एक पाइपलाइन का आउटपुट क्या होगा किस जगह पे होगा और उसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किसी भी एन एफ कोर पाइपलाइन के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है तो आपकी आपके लिए ये टैब बहुत ज़रूरी है जैसे आउटपुट टॉक्स इसके साथ एक लास्ट टैब है हमारे पास जो कि है रिलीज और स्टेटिस्टिक्स के बारे में आप ये देख सकते हैं कि पिछली पिछली रिलीजेस कब हुई थी एक पाइपलाइन की या फिर आप उसे गिठअप पे देख सकते हैं आ, अगर आप चाहें तो उन्हें उसके स्टेटिस्टिक्स भी देख सकते हैं पाइपलाइन के और राइट हैंड साइड पे आप उस पाइपलाइन का एक अगर कोई वीडियो अवेलेबल है एन एफ कोर में आप उसे भी देख सकते हैं इसके अलावा बहुत सारे स्टार्ट अवेलेबल हैं उस पाइपलाइन को लेके जैसे पाइपलाइन के स्टेटिस्टिक्स कितने फॉर्क हैं कमिट्स हैं कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं विजिटर्स कितने हैं इस पेज के उस पाइपलाइन के कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है इस पाइपलाइन के पेज पर इसके साथ हम मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो एन uh, कोर का मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट है वेबसाइट एन कोर की वेबसाइट पर जैसे ही आप मॉड्यूल्स सेक्शन खोलते हैं आप देख सकते हैं क्या आपको लिस्ट देता है टोटल मॉड्यूल्स कितने अवेलेबल हैं तो फिलहाल आज की डेट में 832 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी पाइपलाइंस में या फिर किसी भी एन एफ पाइपलाइन में यूज़ कर सकते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि जो एन कोर की पाइपलाइंस हैं वो रीयूजल मॉड्यूल्स को यूज़ करें इसके साथ साथ रीयूजल वर्क को यूज़ करें आ, मैं अभी इसके बारे में और बात करूँगा लेकिन पहले मॉड्यूल्स को कवर करते हैं तो मॉड्यूल्स में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैटेगरी बनाई है हमने कि कौन से मॉड्यूल्स सैम फाइल क्राम फाइल को यूज़ करेंगे कौन से मॉड्यूल्स बैम फाइल को यूज़ करते हैं और अगर कोई मॉड्यूल है जो स्ट्रक्चरल वेरियंट्स को कम्प्यूट करता है तो आप उन मॉड्यूल्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं जैसे स्ट्रक्चरल वेरियंट्स से अगर आप क्लिक करें तो ये मॉड्यूल्स हैं जो स्ट्रक्चरल वेरियंट्स के स्पेसिफिक यूसेज में हेल्प करते हैं और अगर आप चाहें तो uh, इनमें से कोई भी मॉड्यूल को खोल के आप उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं Uh, क्योंकि इस मॉड इस पेज पर आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जैसे इनपुट आउटपुट लेकिन जैसे ही आप मॉड्यूल स्पेसिफिक पेज खोलते हैं आपको उसका आइडिया लगेगा कि आप उसे अपनी एन एफ को टेम्पलेट द्वारा बनाई गई पाइपलाइन में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपग्रेड कैसे कर सकते हैं और इसमें इसके लिए इसके अगर आपके पास कोई सवाल है इस मॉड्यूल को लेके तो आप कहाँ पूछ सकते हैं इशू बना सकते हैं उस मॉड्यूल को लेके और अगर आप देखना चाहें कि इस मॉड्यूल के इनपुट्स क्या हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस मॉड्यूल स्पेसिफिक पेज पे अवेलेबल कराई गई है इसके साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं जो जिस टूल के बेसिस पे ये मॉड्यूल डिज़ाइन हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिंगल वन स्टॉप सोल्यूशन के अंतर्गत अवेलेबल हैं एनफकोर वेबसाइट में uh, अब हम बात करते हैं जल्दी से सब वर्क की तो जैसे हमने कल देखा था नेक्स्ट फ्लो में वर्क फ्लो नेक्स्ट फ्लो लैंग्वेज में वर्क फ्लो नाम का एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि आपको मदद करता है कि आप प्रोसेस को कम्बाइन कर सकें uh, सब वर्क फ्लोज़ हम एन एफ को कम्यूनिटी साइड की तरफ ये बात करते हैं ऐसे डिफाइन करा है कि अगर आप दो या तीन मॉड्यूल्स को हमेशा यूज़ करते हो तो उसका एक वर्क फ्लो बना के एक उसे एक मॉड्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसका मतलब जैसे अगर आप बायथमेटिक्स डोमेन का थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं तो बात करते हैं uh, बी सी एफ़ टूल्स या फिर सैम टूल्स तो अगर इन दोनों का फ्रीकुंट यूज़ आप करते हैं साथ साथ तो आप बैम टूल्स जो भी टूल्स आप यूज़ करते हैं अगर आप फ्रीकुंटली सेम ये तीन या चार टूल्स को यूज़ करते हैं बहुत सारी पाइपलाइंस में चाहे वो फॉर्मेट कन्वर्जन हो चाहे वो वेरिएंट कॉलिंग हो तो आप उसका एक सेपरेट सब वर्क बना के एन एफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर अगर एन कोर सब वर्क प्रोजेक्ट में वो मॉड्यूल पहले से अवेलेबल है तो आप उसे डाउनलोड करके अपनी पाइपलाइन में यूज कर सकते हैं हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे प्रैक्टिकल टर्म्स में uh, जब हम एन एफ कोर टूल्स को uh, और अच्छे से देखेंगे तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं टूल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो एन एफ कोर की जो टूलिंग है वो uh, बहुत ही डेप्थ है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी डॉक्यूमेंटेशन uh, को भी इंडेप्थ रखने की हमारी पूरी कोशिश है जैसे आप देख सकते हैं कि uh, हमने पहले बात करी थी कि आप एन को टूल्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं पहली बात दो तरीके हैं उसके इंस्टॉलेशन के आप इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करके क्योंकि ये टूल पाइथन में लिखा है या फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोंडा पैकेज मैनेजर को यूज़ करके क्योंकि ये टूल जो है बायोकोंडा uh, चैनल पर भी अवेलेबल है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे इन डेप्थ में लेकिन जस्ट एक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है टूल की इंस्टॉलेशन को लेके जैसे ही आप टूल इंस्टॉल करते हैं आपके पास बहुत सारे सब ऑप्शंस और बहुत सारे फ़ीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं जिनके यूज़ करके आप सब वर्क को लिस्ट कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं नया सब वर्क बना सकते हैं जैसे सिमिलर टू मॉड्यूल्स तो मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं नया सब नया मॉड्यूल बना सकते हैं उसे टेस्ट कर सकते हैं तो ये सारी एबिलिटीज़ जो हैं आपके पास अवेलेबल होती हैं आ, और मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये टूल जो है पाइपलाइंस लेवल पे ही पे भी काम करता है क्योंकि पाइपलाइंस एन एफ़ कोर का पहला एक तरह से प्रोजेक्ट था और एन एफ कोर टूल्स के में बहुत सारी एबिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एन एफ़ कोर पाइपलाइंस को यूज़ करने में अपडेट करने में मदद करेगा तो आप आ, इस डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं अगर आप एन एफ़ कोर के टूलिंग का यूज़ करना चाहें इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन एन एफ कोर का आ, एक मेजर फोकस है तो आप देख सकते हैं कि एक यूसेज डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास और एक कंट्रीब्यूटिंग डॉक्यूमेंटेशन है जिसका मतलब है कि अगर आप पाइपलाइंस का यूज़ करना चाहते हैं मॉड्यूल्स का यूज़ करना चाहते हैं सब वर्क फ्लोज का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सारी अवेलेबल है इसके साथ अगर आप एन कोर की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो जैसे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है मॉड्यूल्स का प्रोजेक्ट है सब वर्कफ्लोस का प्रोजेक्ट है तो आप उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तो ये सारे इन्फॉमेसन आपको डॉक्स के पेज पे, पे, पे अवेलेबल है इसके साथ मैं आपको जल्दी से इवेंट्स पेज के बारे में बताना चाहूँगा इवेंट्स पेज में आप एन एफ़ कोर्स से रिलेटेड जितनी भी पास्ट की इवेंट्स हैं या फ्यूचर की इवेंट्स होने वाली हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू ले सकते हैं और इन सब इवेंट्स में आ, या हो सकता है कि को, कोई वीडियो कॉन्टेंट अवेलेबल हो या फिर कोई रिटर्न कॉन्टेंट अवेलेबल हो जैसे ट्रेनिंग मटीरियल है तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो की के वीडियो इस ट्रेनिंग स्पेसिफिक पेज में सब कुछ अवेलेबल होगा लेकिन जैसे अगर आप कोई पास्ट इवेंट देखना चाहें जैसे ये बाइट साइज स्टॉक हो गई जो कि एक स्मॉल टॉक uh, होती है uh, एक एक स्पेसिफिक टॉपिक uh, को लेके uh, इस केस में एन एफ को और मैग पाइपलाइन के ऊपर थी ये टॉक तो आप इसे देख सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑथर कौन था और इसका जो भी आउटपुट है जो वीडियो है जनरली वो भी आप इस पेज पे देख सकते हैं अगर आप uh, आने वाले इवेंट को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये इवेंट कहाँ पर हुई और इसे आप आप देख सकते हैं आपके अब आप जिस भी टाइम जोन में हो उस टाइम जोन के हिसाब से हमारी वेबसाइट अकोमोडेट करेगी और आपको उस उसके टाइम जोन के हिसाब से और इवेंट के हिसाब से आपको अपडेट्स देगी जो भी उस आ, इवेंट का कंटेंट है या गोल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एडिट बटन भी है और ये एन एफ कोर की हर एक पेज पे एडिट बटन अवेलेबल है अगर आप कोई मिस्टेक देखते हैं आ, कि कोई टाइपो है या फिर आप कोई नया कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप हमारी मदद कर सकते हैं इसमें आप एडिट बटन दबाइए और गेटअप पे उस उस फाइल को चेंज करिए और एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूड है इसके साथ मैं आपको यह हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है एक अबाउट पेज है जिसमें आप एन एफ कोर कम्यूनिटी के बारे में देख सकते हैं कम्युनिटी का एक एक पेज है जिसको हम अगर खोलें तो उसके बारे में भी देख सकते हैं जल्दी से इस कम्युनिटी इस पेज पर आप ये देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर्स कहाँ कहाँ से हैं और किन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट करा है फिलहाल आज की डेट में एन कोर के स्लैक मेंबर्स 5000 हज़ार स्लैक मेम्बर्स हैं और गेटअप पे बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं तो ये पेज थोड़ा सा टाइम ले सकता है लोड होने में क्योंकि कम्युनिटी का साइज़ बहुत बड़ा है अगर आप एन कोर के स्टिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस कम्यूनिटी इन नंबर्स तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैट्स का पेज है वेबसाइट पर और स्टैट्स के पेज पर आप लेटेस्ट uh, नंबर्स देख सकते हैं कि स्लैक यूजर्स कितने हैं किट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कितने हैं कंट्रीब्यूटर्स और ट्विटर फॉलोअर्स कितने हैं इसके साथ साथ आप ओवरऑल ग्रोथ कम्युनिटी की देख सकते हैं कोड की स्टेटस्टिक्स देख सकते हैं तो आप ओवरऑल इस पेज पर आप देख सकते हैं कि, कि जब से एन एफ कोर कम्युनिटी स्टार्ट हुई पिछले चार पाँच साल में कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है और कम्युनिटी का ट्रेंड क्या है तो इसके साथ हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पब्लिकेशंस की तरफ पब्लिकेशंस में आप ये देख सकते हैं कि एन एफ़ कोर की आ, के मेन कौन से पब्लिकेशंस हैं जैसे ये नेचर बायोटेक्नोलॉजी का पब्लिकेशन है उसके अलावा पाइपलाइन स्पेसिफ़िक पब्लिकेशंस हैं जो आप अगर उस पाइपलाइन का यूज़ करते हैं तो उसे साइट भी कर सकते हैं जैसे कोप्रॉइड सर्कुलर आर एन एम्पली सी पाइपलाइन तो सारे पब्लिकेशंस आपको एक सिंगल पेज पर अवेलेबल हैं इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा ये कह के कि आप आ, इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं आ, और हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे स्लैक हो गया जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ गिठब हो गया ट्विटर मैस्टोडॉन और यूट्यूब यूट्यूब चैनल्स हैं इन सब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब को ज्वाइन करने के इंस्ट्रक्शन हमने इस पेज पर ऐड करे हुए हैं ट्विटर मैस्टोडॉन यूट्यूब और गैदर टाउन इसके साथ अब हम अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं और और ये देखते हैं कि एक पाइपलाइन को क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम एन एफ कोर की टूलिंग को यूज़ करके हम डॉक्यूमेंटेशन को खोलेंगे और उसमें से हम एक्सेस करेंगे क्रिएटिंग पाइपलाइंस विद एन एफ कोर इस वीडियो में हम खुद को एन एफ कोर की टूलिंग से फेमिलराइज़ करेंगे और देखेंगे कि हम उसे एज ए यूज़र कैसे यूज़ कर सकते हैं और एज़ ए डेवलपर कैसे यूज़ कर सकते हैं तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन पेज में जाकर क्रिएटिंग पाइपलाइंस विद एन एफ को खोलते हैं आप देख सकेंगे कि इस uh, इस ट्यूटोरियल को uh, हमने ओरिजिनली लिखा था अक्टूबर uh, 2022 की ट्रेनिंग के लिए Uh, और इसके लिए एक सेपरेट गिट पॉड इन्वायरमेंट हमने बनाया है जिसमें नेक्स्ट फ्लो प्लस एन एफ कोर के टूल्स सब पहले से इंस्टॉल्ड हैं uh, आप यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे uh, और उसके बाद गिटहब ऑथेंटिकेशन करेंगे आप गिट पॉड को खोल पाएंगे और टाइम uh, बचाने के लिए मैंने गिट पॉड को पहले से खोल लिया है अपने कंप्यूटर पर आप, uh, आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा uh, देखना चाहिए आपके ब्राउज़र पर अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर पहले से बंद करके इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बंद कर सकते हैं यहाँ पे भी और इधर वेलकम मैसेज को भी और आप ये देख सकेंगे शायद चलो पहले पोर्ट्स को भी बंद करते हैं अब हमारे पास ज़्यादा एरिया है तो हम इस मैसेज को देखते हैं जैसे ही आप खोलेंगे गिट पॉड थोड़ा सा टाइम लगेगा कंटेनर इमेज़ को पुल करने के लिए और उसके बाद आप आ, शायद इस Error मैसेज के अक्रॉस आप इस मेरे एरे मैसेज जो इसको देख सकेंगे आ, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है एन को टूलिंग जो है वो नेक्स्ट फ्लो की तरह बहुत ही जल्दी डेवलप होती है और उसके फिक्सेस और स्टेबल रिलीजेज बहुत ही आ, आ, अच्छी स्पीड से रिलीज होते हैं तो हम इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बस ये इंश्योर करना चाहूँगा कि हाँ हमारा जो वर्जन है वो हम कंफर्म कर सकें जो कि है 2.7.2 और अगर नेक्स्ट फ्लो का वर्ज़न हम कंफर्म कर सकें तो हमारा इन्वायरमेंट कम्प्लीटली रेडी है अरे मैंने नाम गलत लिखा नेक्स्ट फ्लो का मुझे टी डाल ऐड करना था तो इसके साथ हम देख सकते हैं नेक्स्ट फ्लो का ट्वेंटी वर्ज़न है यहाँ पर और एन कोर का 2.7.2 वर्ज़न अवेलेबल है आ, अगर आप वापस एक्सप्लोर को खोलें लेफ़्ट हैंड साइड से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से बहुत सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं लेकिन ये एन को टूल्स की डेवलपमेंट रिपोजिट्री है तो हम उसमें चेंज नहीं करना चाहते हम अपने लिए एक ट्रेनिंग फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर को स्पेशली खोलेंगे तो आप कैसे खोल सकते हैं एक फ़ोल्डर को आप लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ट्रिपल बार देख रही है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर ओपन फोल्डर क्लिक कर सकते हैं आप उसके बाद आप बोल सकते हैं यहाँ पे टूल्स उसके बाद ट्रेनिंग अब आप जैसे ही ओके करेंगे गिट पॉड उस फोल्डर के हिसाब से खुद को रीलोड करेगा और अब आप उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि गिट पॉड आपका पहले से ही आपका ये जो टेम्प्रेरी कंप्यूटर है पहले से ही रन कर रहा है तो आपको बस उस फ़ोल्डर uh, को खोलने की ज़रूरत है और फिर से आप सिमिलर चीज़ें देखेंगे uh, मैं पोर्ट्स को बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है यहाँ पर uh, मैं इस ऑप्शन को बंद कर देता हूँ क्योंकि ये भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है और अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं मैं ये फिर से वो चीज़ें कंफर्म करूंगा नेक्स्ट नेक्सफ्लो uh, का वर्जन और एन एफ कोर का वर्जन दोनों फंक्शनल हैं और इसके साथ हम एन एफ कोर के साथ एन एफ कोर के टूल्स के साथ हम खुद को फॉमुलराइज करने के लिए रेडी हैं आ, हमारा पहला स्टेप होगा एन एफ कोर की हेल्प को रीड करने का जैसे अगर आप एन एफ डैश एच दबाते हैं तो आपको दिखेगा एन एफ टूल्स का हेल्प मैं इस सेक्शन को बड़ा कर सकता हूँ यही कर दूँ तो ज़्यादा आसान है आ, अब अगर आप ये देखें कि एन एफ कोर का यूसेज आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन कमांड और आर्ग्यूमेंट्स तो आपको यह देखना होगा कि आप पहला कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज़ करना चाहते हैं या कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं और या फिर कौन सी कमांड यूज करना चाहते हैं इनका स्पेशल सिग्निफिकेंस है सबका तो ऑप्शंस आप आप पहली पोजीशन पे खाली ऑप्शंस डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल uh, है तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं एन एफ कॉर डैश डैश वर्जन जो कि हम पहले कर चुके हैं वो एक ऑप्शन है अगर आप किसी कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो कमांड या तो आप इस बॉक्स में से ले सकते हैं या फिर इस कैटेगरी में से ले सकते हैं जो कि डिवेलपर्स के लिए है उससे पहले एक यूजर्स के लिए कैटेगरी है उसके बाद आप इन हर एक कमांड के लिए जो कि आर्ग्यूमेंट है आप उसे यूज़ कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एन एफ कॉर लेस्ट कमांड को अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है एन एफ कोर को लिस्ट कर, जैसे ही आपने करा तो आप देख सकते हैं कि इस टूल ने आपको एन एफ कोर की पाइपलाइंस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी मैं इस फोल्डर को बंद कर सकता हूं, एक्सप्लोरर को बंद कर रहा हूं लेफ्ट में ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारी लिस्ट इस लिस्ट में आपको एन एफ़ कोर की सारी पाइपलाइंस का नाम मिल रहा है स्टार्स मिल रहे हैं और लेटेस्ट रिलीज़ कौन सी है रिलीज़ डेट कौन सी है और उसके बाद दो चीज़ें ऐसी हैं कि लास्ट पुल्ड या आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है अभी मैंने कोई भी पाइपलाइन इंस्टॉल नहीं करी इस इन्वायरमेंट में तो इसलिए ये सारा ये पूरा कॉलम खाली है और ये हैव लेटेस्ट रिलीज भी खाली है लेकिन आइए एक पाइपलाइन डाउनलोड करके देखते हैं एन को टूल्स के साथ पहले देखते हैं एनएफ को डाउनलोड कमांड क्या करेगा डाउनलोड कमांड हमें बताता है एक इंटरैक्टिव ऑप्शन खोल देता है जिसमें हम अगर हम टाइप करें आर एन ए सी या कुछ भी टाइप करें तो वो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिस्ट देगा तो जैसे मुझे अगर आर एन ए सी पाइपलाइन को डाउनलोड करना है तो मैं उसे सिलेक्ट करके उसका वर्जन सेलेक करने सेलेक्ट करूँगा जैसे आ, 3.10.1. उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंगलैरिटी को यूज़ करूँ तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद मैं इसे येस yes कर रहा हूँ ताकि मैं इसे एक स्पेसिफिक पाथ में सेव कर सकूँ आप ये देख सकते हैं कि हमें एक कंप्लीशन मिल रहा है यहाँ पे और उसके बाद मैं ट्रेनिंग के फोल्डर के अंदर अंदर सिंगुलैरिटी का एक फोल्डर बनाऊँगा जहाँ पे मैं इसे जहाँ पे जो भी सिंगुलैरिटी कंटेनर्स इस पाइपलाइन में यूज़ हुए हैं उसे मैं उन्हें मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ और सेव करना चाहता हूँ मैंने एंटर करा आ, ये डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए मैं इसे नहीं आ, पूरी तरह लिख सकता लेकिन शायद हम अगर ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर ही भी डाउनलोड करें तो भी सफिशेंट है चलिए डाउनलोड करते हैं आ, मैं बैश आर में ऐड करना चाहता हूँ येस yes, उसके बाद अगर मैं इसे डाउनलोड कैसे करना चाहूँ मैं नन के साथ डाउनलोड करना चाहूँगा ताकि डाउनलोड करने के बाद ज़िप करने की ज़रूरत ना पड़े आ, लेकिन अगर आप किसी इन्वामेंट में ऐसा किसी ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें आ, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो शायद आप दूसरे कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहें इन इमेजेस को उसके बाद इन इमेजेस को अपने Uh, जो टारगेट इन्वायरमेंट है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है खाली एस एस एच कनेक्शन है या लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन है उसमें आप सेंड कर सकते हैं तो चलिए हम अभी के लिए नॉन कंप्रेशन के साथ डाउनलोड करते हैं और हम देख सकते हैं कि पहले पाइपलाइन डाउनलोड हुई पाइपलाइन का वर्जन हमें पता चला हम ये एन एफ़ को टूल्स हमें बता रहा है कि हमने ऑप्शन सेलेक्ट करा था सिंगुलैरिटी कंटेनर्स का उसके बाद हमने एक सिंगुलैरिटी कैश डी आई आर सेलेक्ट करी और हम उसे उस पाइपलाइन को कहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं और उन कंटेनर्स को कहाँ पर रखना चाहते हैं इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि आ, अगर मैं तो अपना ये हेड शॉट ऊपर मूव करूँ तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एन एफ़ को टूल्स इन सारी इमेज़ को सिंगुलैरिटी कंटेनर्स को पैरल में डाउनलोड कर रहा है तो इससे हमें विजुअल फीडबैक भी मिलता है तो हम देख सकते हैं कि ये सब पैरल में डाउनलोड हो रहा है जैसे ही एक कंटेनर डाउनलोड होता है एन एफ को टूल्स दूसरे कंटेनर को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है ये सब ऑटोमेटिकली मैनेज है और अगर आप एक्सप्लोरर को खोलें तो आप शायद देख सकेंगे कि कौन कौन से कंटेनर्स डाउनलोड हो चुके हैं अभी किट पॉड रीलोड कर रहा है और ये सब कंटेनर्स डाउनलोड हो चुके हैं हमारे टेम्प्ररी कंप्यूटर के अंदर आ चुके हैं ऐसे ही अगर मैं फिर से बंद करके थोड़ा सा वेट करूँ तो हम देख सकते हैं कि आ, सारे कंटेनर्स हमारे डाउनलोड हो चुके होंगे लेकिन यहाँ पे वेट करने की जगह हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन को फिर से देख लेते हैं अगर आप एन को टूल्स की डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ तो आप ये देख सकते हैं कि यूसेज ओरिएंटेड कमांड्स हैं हमारे पास जैसे लिस्टिंग पाइपलाइंस जो कि अभी हमने खुद देखा था एन एफ लिस्ट कमांड के ज़रिए उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक uh, नाम से फिल्टर करके रिजल्ट देखना चाहें एन एफ़ कोर लिस्ट आर एन एक्सेट्रा तो हम उसे भी टेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक और टर्मिनल खोलें यहाँ पे जैसे इस प्लस आइकन को क्लिक करके आप एक और टर्मिनल खोल सकते हैं यहाँ पे और उस टर्मिनल में भी आपको एन एफ़ कोर और नेक्स्ट फ्लो अवेलेबल होगा तो हम कर, अपना एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरे टर्मिनल में यहाँ पे हम लिखेंगे एन एफ़ कोर लिस्ट अगर हम आर एन ए लिखें तो हमें आर एन ए से रिलेटेड पाइपलाइंस प्रिंट होके देगा प्रिंट करके देगा एन एफ को टूल्स और अगर हम आ, यहाँ पर लिखें प्रो तो हमें प्रोटीनोमिक्स रिलेटेड पाइपलाइंस एन एफ को टूल्स प्रिंट करके देगा तो ये एक तरह से आपका फ़िल्टर करने का तरीका है आप बहुत आसानी से चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं इसके साथ हम वापस जाते हैं एन एफ़ को टूल्स की डॉक्यूमेंटेशन में और हम ये देख सकते हैं कि आ, आप एक पाइपलाइन के स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं जैसे कौन कितने स्टार्स हैं कौन सी लेटेस्ट रिलीज़ है इन चीज़ों को देख के इनके साथ साथ आप एक शो आर्काइव फ्लैग भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि कौन सी पाइपलाइंस आर्काइव हो चुकी हैं इसके साथ हम बात करेंगे लॉन्च ए पाइपलाइन लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ डाउनलोडिंग ए पाइपलाइन फॉर ऑफ़लाइन यूज़ अभी देखते हैं वापस जाके कि हमारे सिंगुलैरिटी कंटेनर्स डाउनलोड हो चुके हैं या नहीं पहले टर्मिनल में अगर हम वहाँ जाते हैं तो अभी भी सब डाउनलोड हो रहा है और मुझे लगता है कि हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए हमारी पाइपलाइन लोकल लोकली अवेलेबल हो जानी चाहिए पहले से अगर हम ऊपर जाके देखें इस टर्मिनल को गिटपॉट पर इस्क्रोल करें तो हम देख सकते हैं कि हमने कौन सी कमांड यहाँ पे दी थी जैसे एन को डाउनलोड तो एन को डाउनलोड में हमने ड्रॉप डाउनस को यूज़ करके स्पेसिफाई करा था आर कौन सा वर्जन और कंटेनर्स हम डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं तो ये हमने अपनी तरफ से चूज़ करके इंटरक्टिवली uh, डिसाइड uh, करके एन एफ कोर को बताया था लेकिन आप एक सिंगल कमांड के अंदर भी एन एफ कोर को से ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप लिखें आर एन एस सी उसका रिविजन और आप उस फाइल उस डायरेक्ट उस पाइपलाइन uh, को किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको uh, आप एन एफ कोर टूल्स को एक्सप्लिसिटली भी बता सकते हैं जैसे ही पाइपलाइन डाउनलोड होगी जो कि हमारे केस में सिंगलैरिटी कंटेनर के बाद ही हो सकता है आ, हो गया है वो काम कंप्लीट और हमारे सिंगुलैरिटी कंटेनर्स अगर हम ट्रेनिंग के अंदर जाएं। आ मैंने एक छोटी सी गलती करी यहाँ पे क्योंकि जब मैंने नया टर्मिनल खोला था तब मैं वापस टूल्स फोल्डर के अंदर आ गया लेकिन कोई बात नहीं मैं ये मूव कर सकता हूँ यहाँ से अपने ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर तो अगर हम ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर जाएँ तब हम देख सकते हैं कि जो भी सिंगुलैरिटी कंटेनर्स थे वो उस फोल्डर में डाउनलोड हो चुके हैं इसके साथ साथ जो पाइपलाइन का कोड है वो भी डाउनलोड हो चुका है आप उस पाइपलाइन के कोड को ट्री कमांड के ज़रिए भी देख सकते हैं अगर वो इंस्टॉल्ड है लेकिन आप जल्दी से इंस्टॉल कर सकते हैं ट्री को इस कंप्यूटर में और फिर से उसको देख सकते हैं हम इसे लिमिट करेंगे ताकि हम दो दो लेवल तक लिमिट करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या क्या अवेलेबल है और ये देख रहे हैं सिंगलारिटी इमेज अगर हम अंदर जाएं इस फोल्डर के तो हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं कॉन्फेक्स सिंगलारिटी इमेज और वर्क फ्लो तो अगर मैं यहाँ पे ट्री कमांड देता हूँ तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे भी हमारे पास सिंगलारिटी इमेज़ की एक कॉपी अवेलेबल है और जो हमारा वर्क फ्लो का एक्चुअल कोड है मॉड्यूल्स और सब चीज़ों के साथ वो हमें यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन इसके साथ साथ आप एक फोल्डर देखेंगे कन्फिग config, कॉन्फिक्स नाम का जो कि शायद आप अपने कस्टम कन्फिग्रेशन में यूज़ करना चाहें डिपेंडिंग uh, डिपेंड uh, करता है कि आप कौन सा इन्वायरमेंट uh, आपके पास अवेलेबल है और आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज़ करना चाहते हैं uh, इसके साथ हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ वापस चलेंगे और हमने लिस्ट का यूज़ करा है अब हम बात करेंगे जल्दी से पाइपलाइन को लॉन्च करने की उसके बाद हम कन्फिग्रेशन को कवर कर सकते हैं तो अगर आप ये कमांड देखें एन एफ कोर लॉन्च अगर हम टाइप करें तो देखते हैं कि एन एफ कोर का इंटरेक्टिव मेन्यू हमारी कैसे हेल्प कर सकता है एन एफ कोर अगर हम एक बार फिर से लिस्ट करें तो पहले देखते हैं कि इस बार हमारी लोकल कॉपी लोकल कॉपी चेक नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि हमने उससे उस जगह पे डाउनलोड करा आर एन पाइपलाइन को जो कि सेंट्रल डेटाबेस में कैप्चर नहीं होता लेकिन अगर आप नेक्स्ट फ्लो के थ्रू इस पाइपलाइन को डाउनलोड करते हैं नेक्स्ट फ्लो पुल कमांड को यूज़ करके आप कह सकते हैं एन एफ़ कोर आर एन एस उसे डाउनलोड करें तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट फ्लो उसे एक सेंट्रल रिपोजिटरी और सेंट्रल फोल्डर में ऐड करेगा जो कि एन एफ़ कोर टूल्स भी रखे भी यूज़ कर सकता है अब अगर हम एन एफ़ कोर लिस्ट को लिस्ट कमांड को देखते हैं तो इस बार अगर हम उसके आउटपुट को आउटपुट को देखें तो हम देख सकते हैं कि आ, ये लेटेस्ट वर्जन है और हमें ये दिख रहा है कि वो पाइपलाइन जो है हमने लोकली पुल कर रखी है तो हमने ये देखा कि आप एक पाइपलाइन को लोकल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और दूसरा जो कम्प्लीटली ऑफलाइन यूसेज के लिए आइडियल है और दूसरा आप एक ऑनलाइन यूसेज या इंटरनेट इनेबल्ड कंप्यूटर में नेक्स्ट फ्लो का डायरेक्ट यूज कैसे कर सकते हैं एक पाइपलाइन को डाउनलोड करने के लिए अब हेन एफ को टूलिंग की बात कर रहे हैं एन एफ को पाइपलाइंस और मॉड्यूल्स और सब वर्क फ्लोज़ का यूसेज हम इस टूल के थ्रू कर सकते हैं अब हम जल्दी से ये देखते हैं कि एक डाउनलोडेड पाइपलाइन को आप लॉन्च कैसे कर सकते हैं uh, अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट फ़्लो का यूज़ करना चाहें तो जैसे कि हमने पहले आर एन पाइपलाइन को डाउनलोड करा था आप उसे uh, कह सकते हैं सिंपली एन रन नेक्स्ट फ्लो रन एन एफ कोर आर एन और अगर आप डैश आर ऑप्शन या रिविजन ऑप्शन डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट फ्लो को नहीं बताते तो नेक्स्ट फ्लो रिमोट या रिमोट uh, का मतलब है गिटहब पर जाकर जैसे मैंने एन एफ़ कोर आर एन लिखा अगर मैं गेट हब डॉट कॉम अगर मैं पूरा ये लिखूँ यू आर एल तो ये और अगर मैं सिर्फ इत, अगर, अगर मैं इतना पार्ट बताऊँ अगर मैं नेक्स्ट फ्लो को सिर्फ इतना हिंट देता हूँ तो भी नेक्स्ट फ्लो समझेगा कि डिफ़ॉल्ट ये GitHub की GitHub पे एन एफ ऑर्गेनाइजेशन में सेव्ड पाइपलाइन है uh, अगर आप दू, दूसरा वर्जन कंट्रोल होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं जैसे पिट पकेट या किटलैब तो आप उसे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको नेटफ्लो की कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा चेंज करना होगा आ, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे अगले सेशनस में लेकिन आज के लिए अभी के लिए इस पाइपलाइन को रन करके देखते हैं आ, हमने ये देखा था कि अगर हम इस पाइपलाइन की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएँ आर एन ए सीख इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलें अगर हम इस पे जाके यहाँ पे देखें कि आ, एक अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट फ्लो के थ्रू टाइप करना चाहते हैं तो आप इस कमांड को कॉपी कर सकते हैं इवन और यहाँ पर आके आप एक आ, आउट डी को आपको ज़रूरी बताना होगा क्योंकि आर एन पाइपलाइन या कुछ एन एफ कोर पाइपलाइंस ये आपको आ, एक तरह से ये आउट डी को रिक्वायर्ड पैरामीटर की तरह यूज़ करती हैं अभी मैं आपको और बताऊंगा कि आप कैसे डिस्कवर कर सकते हैं कर सकते हैं कमांड लाइन पे कौन से रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं कौन से नहीं लेकिन अभी के लिए हम बस नेक्स्ट फ्लो के थ्रू इस पाइपलाइन को रन करके देखते हैं आउट डे आई आर मैं इसकी वैल्यू दूंगा नेक्स्ट फ्लो एन एफ एन एक्स एफ आर एन ए सिक रिजल्ट ये मैंने इस पैरामीटर की वैल्यू दी अब प्रोफाइल के साथ साथ मैं ये ऐड करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट फ़्लो इस पाइपलाइन को रन करने के लिए इस एन एफ कोर पाइपलाइन को रन करने के लिए टेस्ट प्रोफाइल यूज़ करें इसकी और एक डॉकर प्रोफाइल यूज़ करें तो क्योंकि इस सिस्टम में डॉकर पहले से इंस्टॉल्ड है नेक्स्ट फ़्लो उस पाइपलाइन को रिमोटली डाउनलोड करेगा या फिर अगर वो पहले से इंस्टॉल्ड है जो कि हमारा केस है वो प्री इंस्टॉल्ड वर्जन को यूज़ करेगा और फिर उस पाइपलाइन का वो टेस्ट कन्फिग्रेशन और डॉकर कन्फिग्रेशन को मर्ज करके उसके जो फाइनल कन्फिग्रेशन है उसके साथ रन करेगा आप ये देख सकते हैं कि आ, कौन कौन से ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से ऑप्शंस आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे कोर नेक्स्ट फ्लो ऑप्शन जो कि पाइपलाइन के ऑप्शन से अलग हैं आप इस पर ध्यान दीजिए कि कन्फिग्रेशन फ़ाइल कौन सी यूज़ हुई वो है गिट पॉड या आपकी होम डायरेक्ट्री हो गई और उसके अंदर जो डॉट नेक्स्ट फ्लो एक फोल्डर बनेगा उसके अंदर एसेट्स एन एफ़ को और आर एन एस उस, सी उसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को यूज़ करा है नेक्स्ट फ्लो ने इस पाइपलाइन को रन करने के लिए ये जो लोकेशन है डॉट होम डॉट नेक्स्ट फ्लो एसेट्स ये आपकी सेंट्रल पाइपलाइन डेटा बेस है एक तरह से तो जो भी आप पाइपलाइंस डाउनलोड करेंगे अगर इस जगह पे है तो वो एन एफ़ को टूल्स भी उसे पिकअप कर सकता है अब Uh, इसके अलावा जो पाइपलाइन स्पेसिफ़िक पैरामीटर्स हैं वो भी प्रिंट करें हैं एन एफ़ टूल्स ने एन एफ पाइपलाइन ने uh, लेकिन हम इस पाइपलाइन को पूरी तरह रन नहीं करना चाहते तो मैं इसे कैंसिल करूँगा कंट्रोल सीधा बकर और हम अब ट्राई करेंगे दूसरे वर्जन को रन करने की जैसे इस बार मैं रन करना चाहता हूँ अगर माने थ्री पॉइंट टेन पॉइंट ज़ीरो के साथ और इसे मैं कह देता हूँ इस बार मैं रिज़्यूम करता हूँ देखते हैं कि रिज्यूम uh, करने का पॉइंट ये है कि अगर कुछ प्रोसेस कम्प्लीट हो चुके हैं और दूसरे वर्जन में वो प्रोसेस चेंज नहीं हुए थे तो शायद हम uh, कुछ प्री कंप्यूटर टास्क तो यूज़ कर सकें लेकिन नेक्स्ट फ़्लो हमें यहाँ पे बोल है कैन नॉट फाइंड वर्जन इसका मतलब हमें इसे पुल करना होगा पुल करने के लिए हम सिमिलर कमांड यूज़ करेंगे नेक्स्ट फ़्लो की अगेन फिर से पुल और इस बार हमने जैसे ही पुल करा आ, शायद ये वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता मैं गलत वर्जन यूज़ कर रहा हूँ जल्दी से कंफर्म करते हैं आ, कौन कौन से वर्जन हैं यहाँ पर थ्री पॉइंट टेन तो ज़ीरो वर्जन कोई नहीं है इसलिए नेक्स्ट पुल नहीं कर सकता और रन नहीं कर सकता लेकिन हम अभी के लिए इसे पुल कर लेते हैं पिछले वर्जन को और इस बार एन एफ कोर लिस्ट को फिर से रन करके देखते हैं कि कौन सा वर्जन ये पिक करता है आप अगर ये देखें कि आर एन का अभी जो करंट वर्जन है जो हमने नेक्स्ट फ्लो के थ्रू पे पुल करा है एन ने, एफ ने, को टूलिंग ने वो वर्जन पिक कर लिया और आपको ये भी बता रहा है कि ये करंट वर्जन या लेटेस्ट वर्जन नहीं है, हैव लेटेस्ट रिलीज तो आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अब हम अपनी वापस फ्लो कमांड की तरफ जाएंगे और एक स्पेसिफिक पाइपलाइन वर्जन के साथ रिज्यूम करेंगे प्रीवियस रन को हो सकता है कि कुछ प्रोसेस चेंज हुए हों हो सकता है कि कुछ प्रोसेस ना चेंज हुए हों तो नेक्स्ट फ्लो ये इंटेलिजेंट बिहेवियर यहाँ पे आपको दिखाएगा और जो भी प्रोसेस और टास्क कुछ भी चेंज नहीं हुआ है नेक्स्ट फ्लो से फिर से रन नहीं करेगा ये जो वार्निंग्स हैं ये जनरली आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी लेकिन अगर ये प्रिंट होती हैं तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इसे अगर आप अपने पाइपलाइन के को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक बार उन वार्निंग मैसेजेस को अच्छे से पढ़ें और जो भी लिंक्स हमने ऐड करे हैं वार्निंग मैसेजेस में जैसे यहाँ पे उन्हें एक बार रेफ़र करें यहाँ देखिए जैसे कि कैश्ट प्रोसेस हैं वो फिर से रन नहीं हुए और नए प्रोसेस रन हुए हैं आप ये ध्यान दीजिए कि हमने पाइपलाइन का एक रिमोट पाइपलाइन का दो वर्जन के साथ एग्जीक्यूशन करा और हमारी कैश फिर भी इंटैक्ट थी क्योंकि उस पाइपलाइन का जब नया वर्जन आया तो उसने पर्टिकुलर प्रोसेस को अपडेट नहीं करा और नेक्स्ट फ्लो इन्हें ये रियलाइज़ करके हमारी कैश को इंटैक्ट रखा है अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ फिर से क्योंकि हम चाहते हैं कि कंट्रोल सी के साथ कैंसिल और इस बार मैं एन एफ़ कोर की टूलिंग के साथ इसे लॉन्च करना चाहता हूँ अगर मैं टाइप करूँ एन एफ़ कोर लॉन्च जैसे कि हमने पहले करा था आर एन सीख को एन एफ कोर लॉन्च के साथ रन करा था इस बार हम कुछ अलग ट्राई करते हैं इस बार हम ट्राई करते हैं लोकल पाथ को क्योंकि आपको शायद याद हो कि हमने आर एन एस सीख पाइपलाइन को लोकली डाउनलोड कर रखा है पहले लेकिन वो नॉन सेंट्रल डेटाबेस एरिया में डाउनलोड हुआ है तो इसलिए हम इसे पूरा पाथ देंगे कि कहाँ पे हमने पाइपलाइन को सेव करा है जैसे ट्रेनिंग उसके बाद एन एफ कौर आर एन वन इसके अंदर आप इसे वर्कफ्लो के साथ ला के सेव कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो एन एफ को टूलिंग है ये क्या कर रही है ये उस पाइपलाइन के स्कीमा को रेफ़र करता है आ, स्कीमा के साथ मैं आपको उस पाइपलाइन का थोड़ा कोड कोड के साथ ओवर भी दिखाना चाहता हूँ अगर हम आर एन पर आके इस पर क्लिक करते हैं गिटहब के लिंक पर तो यह आपको गिटहब की लोकेशन पर ले जाएगा उस पाइपलाइन की और आप यहाँ पे ये यह देख सकते हैं कि लेटेस्ट रिलीज़ कब की थी इस पाइपलाइन की और इस पाइपलाइन का स्ट्रक्चर जो है हर एक पाइप हर एक एन एफ पाइपलाइन का स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिखेगा क्योंकि सब सेम टेम्पलेट यूज़ करती हैं यहाँ पे अगर आप ये देखें सबसे पहले हम नेक्स्ट फ्लो डॉट फाइल को देखते हैं उसके बाद हम स्कीमा फाइल को देखेंगे नेक्स्ट फ्लो फाइल जैसे कि हेलो डॉट एन एफ फाइल में थी और जो हमारे सिंपल आर एन एस सी पाइपलाइन में थी वो नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को मैनेज करता है तो अगर आप एन एफ कोर एन एफ कोर की फुल स्केल आर एन सी पाइपलाइन को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरामीटर स्कोप के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं इन पैरामीटर्स की उसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये इंक्लूड करता है दूसरी कन्फिगरीशन फाइल्स को तो अगर आपको अच्छे से समझना है कि जो फ़ाइनल कन्फिगरेशन थी आपकी आप उसे कैसे देख सकते हैं मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा लेकिन अगर आपको एक पाइपलाइन की कन्फिगरेशन को अच्छे से समझना है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके कोड को जाके देखें क्योंकि ओपन सोर्स का यही बेनिफिट है आप देख सकते हैं कि क्या पाइपलाइन में एग्जीक्यूट हुआ है कैसे डिज़ाइन हुई है पाइपलाइन अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कुछ प्रोफाइल्स का स्कोप है प्रोफाइल्स का स्कोप मैं फिर से बात करूँगा इसके बारे में लेटर सेशंस में लेकिन अभी के लिए मैं बस ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक डीबक स्कोप है एक कौंडा का स्कोप है और एक मामबा नाम की प्रोफाइल है एक डॉकर नाम की प्रोफाइल है एक आर्म नाम की प्रोफाइल है सिंगुलैरिटी शिफ्टर ये सारे कंटेनर इमेजेस कंटेनर प्लेटफॉर्म्स हैं इसके साथ एक गिटपॉट की प्रोफाइल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं रन करने के लिए अपनी पाइपलाइन को और दो प्रोफाइल्स हैं टेस्ट और टेस्ट फुल जो कि ये टेस्ट डेटा को लेके है अगर आप खाली टेस्ट लिखते हैं और उसे शायद डॉकर की प्रोफाइल से मर्ज करें तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट फ्लो को बोल रहे हैं कि नेक्स्ट फ्लो को टेस्ट और डॉकर प्रोफाइल को मर्ज करके जो फाइनल कन्फिग्रेशन आई उसके साथ रन करना है उस पाइपलाइन को आ, लेकिन जो आपने अगर आप एन एफ़ कोर के पैटर्नस को देखें तो टेस्ट और टेस्ट फुल जो प्रोफाइल्स हैं ये हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं ये डेटा से रिलेटेड हैं तो इसका मतलब टेस्ट है मिनी या स्मॉल स्केल डेटा सेट टेस्ट फुल का मतलब है फुल स्केल डेटा सेट जो कि इस पाइपलाइन की हर रिलीज़ के साथ इस पाइपलाइन को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं आ, इसके साथ मैं आपको यहाँ नहीं मैं आपको और दूसरे टॉपिक्स दिखाना चाहता हूँ शायद आपके गिटहब पे लेफ़्ट में ये ऑप्शन आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा तो आप वापस टॉप लेवल पे जा सकते हैं और वहाँ से दूसरे फोल्डर्स को देख सकते हैं हम अभी बात करेंगे कॉन्ट फोल्डर की तो कॉन्ट फोल्डर के अंदर आके आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या कन्फिग्रेशन अवेलेबल हैं तो कुछ कन्फिगरेसंस आप यहाँ देखेंगे जो हमने अभी नेक्स्ट में देखी जैसे बेस डॉट कॉन्फेग आई जीनोम्स डॉट कॉन्फेग मॉड्यूल्स डॉट कॉन्फेग ये हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है इसके साथ साथ टेस्ट कॉन्फेग और टेस्टफुल कॉन्फेक् आप यहाँ इस फ़ाइल को ओपन करके कभी भी देख सकते हैं कि इस फाइल का कॉन्टेंट क्या है तो जैसे ही अगर आप टेस्ट प्रोफाइल को इनेबल करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को ओवरराइड करता है अपने पैरामीटर्स के साथ और एक प्रोसेस के को स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट देता है लेकिन अगर आप टेस्ट फुल को देखें यहाँ पे भी सिमिलर कंटेंट होगा क्योंकि आ, हम खाली इनपुट और आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं और ज़्यादातर कोई किसी कॉन्फ़िगरेशन को टच नहीं करना चाहते हैं इन टेस्ट और टेस्ट फुल प्रोफाइल्स के साथ इसके साथ हम वापस जाते हैं अपने आ, इसके साथ हम वापस जाते हैं अपने आ, टॉप लेवल पर और मैं आपको अब आप दिखाना चाहता हूँ फ्लो स्कीमा फ़ाइल को तो नेक्स्ट फ्लो स्कीमा जो फाइल है ये आपकी मदद करता है एज ए यूज़र ये समझने में कि पाइपलाइन में कौन से पैरामीटर्स अवेलेबल हैं और पाइपलाइंस में शायद आपने कोई गलत पैरामीटर ऐड करा है या नहीं करा है तो यह आप स्कीमा के थ्रू जो एन एफ को टूलिंग है यह आपको हेल्प कर सकता है तो आप यहाँ देख रहे हैं यू एम आई ऑप्शन स्किप यू एम आई एक्सट्रैक्ट यू एम आई बी सी पैटर्न एक्सेट्रा तो ये सारे ऑप्शनस जब आप एन एफ़ को वेबसाइट के पाइपलाइन स्पेसिफ़िक पेज पर जाते हैं और अगर पैरामीटर्स में क्लिक करें आपको सेम ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे और ये जो पेज जनरेट होता है ये उस फाइल के साथ जनरेट हुआ है तो ये नेक्स्ट फ्लो अंडरस्कोर स्कीमा डॉट जे एस एन फाइल को यूज़ करके हम ये डायनामिक फॉर्म रेंडर कर सकते हैं अब ये हमने क्यों इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि जब भी भी आप कोई भी पाइपलाइन यूज़ करना चाहेंगे एन एफ कोर की सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज़ ए यूज़र आप कैसे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं पाइपलाइन के दूसरा है कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं अभी हम पाइपलाइन के पैरामीटर्स की बात करेंगे तो अब हम वापस जाते हैं अपने गिटपाउड इन्वायरमेंट में और यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप पाइपलाइन को लॉन्च करना चाहते हैं अगर आप चाहें तो वेब बेस्ड सेटअप देख सकते हैं तो वेब बेस्ड सेटअप इतना एक टर्मिनल में इतना बढ़िया नहीं दिखता है तो मैं यहाँ से एग्जिट करके मैं जाऊँगा इस यू में जो कि टूल्स ने पहले से हमारे लिए जनरेट कर दिया और इस यू पे मैं जैसे ही आता हूँ मैं उस पाइपलाइन के पैरामीटर्स को देख सकता हूँ और यहाँ पे खुद कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे मैं बोलूँगा आर एन सीख बोलते हैं हम एन एफ टूल्स रन वन या जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पे अगर मैं कहूँ टेस्ट डॉकर और कुछ कस्टम वर्क डायरेक्टरी जनरली आप वर्क डायरेक्टरी को कस्टमाइज या नाम नहीं बदलना चाहेंगे लेकिन अभी के लिए मैं बदल रहा हूँ और अगर आप ये रिज्यूम करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं अब अगर आप लॉन्च इसके साथ साथ असल में अभी इससे पहले कि मैं लॉन्च के बारे में बताऊं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आप वो सारे ऑप्शंस देखेंगे जो इस पाइपलाइन के पैरामीटर्स पेज में अवेलेबल हैं यहाँ पे आ, अब हम वापस जाते हैं उस लिंक पे जो एन को टूल्स ने हमारे लिए जनरेट करके दिया है अब यहाँ पे हम उन पैरामीटर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे जैसे ये ट्रू हो गया यहाँ पे मैं ट्रू कर रहा हूँ यहाँ पे फॉल्स कर रहा हूँ और ऐसे करके मैं कुछ भी ऑप्शन को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ जो आ, इन इनकी वैल्यू इन ऑप्शन की वैल्यू आप वो दे सकते हैं जो आपके एनवाइर्मेंट के लिए करेक्ट है तो हो सकता है आपके डेटा की लोकेशन कुछ और हो वर्क की वर्क डायरेक्टरी की लोकेशन कुछ और हो लेकिन एक बार आप इस आ, आप अगर एन को टूल्स का यूज़ करके उस पाइपलाइन के पैरामीटर्स सेट करना चाहते हैं तो आपको पास ये विजुअल सेटअप मिल सकता है और आप आराम से जब लॉन्च पर क्लिक करेंगे तो आपको आ इम्पॉर्टेंट फीचर जब आप लॉन्च पर क्लिक करेंगे तो साथ में वैलिडेशन भी होगा और जैसे ही वैलिडेशन होता है आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके आउटपुट है वो सही नहीं है मैं यहाँ पर दे सकता हूँ जो जो आउटपुट नहीं जो पैरामीटर्स हैं वो सारे वैलिडेट होते हैं या नहीं होते अब हम अगर लॉन्च पर क्लिक करें तो फिर से सारे फॉर्म पैरामीटर्स वैलिडेट हुए उसके बाद क्योंकि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो हम डायरेक्ट इस कमांड का यूज़ करेंगे और अग, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस कमांड का डायरेक्टली लेकिन अभी हम इंटरनेट कनेक्शन का फ़ायदा उठाएंगे इसके साथ साथ आप आ, वापस अपने गिट पॉड इन्वायरमेंट में आके इस कमांड को पेस्ट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एन एफ को टूल्स ने जो आपने आ, उस लिंक में एडिट करा उसे पिकअप कर लिया है उसको कन्वर्ट कर दिया एक फ़ाइल में जेसन फाइल में और अगर हम अपने एक्सप्लोरर में उस जेसन फाइल को देखना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं जेसन मैं थोड़ा सा इस विंडो को छोटा करूँगा टर्मिनल को ताकि हम देख सकें जेसन फाइल हमने खाली यही चीज़ें चेंज करी थी और जो बाकी चीज़ें चेंज करी थी जैसे नेम हो गया और एक्सेट्रा वो सब इस कमांड के नेक्स्ट फ्लो कमांड के अंदर अकोमोडेट कर लिया गया है पहले से यह बात प्रोफाइल के लिए भी सही है क्योंकि प्रोफाइल पैरामीटर भी अकोमोडेट कर लिया गया है अब अगर मैं येस करता हूँ तो हमने सेम वर्क फ्लो को एन एफ कोर की लेयर के साथ स्टार्ट करा है तो अगर आप बेस लाइन नेक्स्ट फ्लो टूल को यूज़ करते हैं तो भी आप रन कर सकते हैं पाइपलाइन लेकिन आपको जो स्कीमा है उसकी वैलिडेशन नहीं मिलती है। वो आपको खाली पाइपलाइन स्टार्ट होने के बाद मिलेगी जब आप हो सकता है आपके आप रिजल्ट्स का एनालिसिस करें या फिर आपकी पाइपलाइन आधी कंप्लीट हो चुकी हो तब आपको वैलिडेशन मिलेगा उसका तो इसलिए आप एन एफ़ को टूल्स का या एन एफ कोर लॉन्च ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाउनलोडेड पाइपलाइंस के साथ और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं आप उससे एन एफ़ को टूल्स को यूज़ कर सकते हैं कोई भी एन एफ कोर पाइपलाइन को लॉन्च करने के लिए भी uh, इसके साथ हम देखते हैं कि अभी हमने लॉन्च को कवर कर लिया है डाउनलोड पाइप डाउनलोडिंग पाइपलाइंस को कवर कर लिया है एक पाइपलाइन के एसेट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जैसे सिंगुलैरिटी एक्सेट्रा उसको भी कवर कर लिया है तो हमने ज़्यादातर यूसेज ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है बस एक चीज़ रहती है अभी हमारी वो है कन्फिग्रेशन फाइल्स तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद अब हम नेक्स्ट फ्लो और एन एफ कौर पाइपलाइन की कन्फिगरीशन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम और इन डेप्थ में बात करेंगे कल अगले सेशंस में लेकिन अभी के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि, कि अगर आप कोई एन एफ कर पाइपलाइन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे कस्टम कन्फिगरीशन का यूज़ कर सकते हैं तो आपको शायद याद हो कि हमने जो एन एफ कौर आर एन एस सी पाइपलाइन थी उसे लोकली डाउनलोड करा था अगर हम उसके उस फोल्डर के अंदर जाके देखें तो हम देखेंगे तीन फोल्डर्स हैं कॉन्फेक्स सिंगलारिटी इमेजेस वर्क फ्लो वर्क फ्लो फोल्डर को हमने यूज़ करा था एन एफ टूल्स के लॉन्च के साथ एन एफ टूल के लॉन्च और लोकल लॉन्च फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए तो इसका मतलब अगर हम एन एफ को लॉन्च करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एन एफ को टूल्स को बताते हैं कि रिमोटली वो वो एक रिमोट पाइपलाइन को पुल करें या फिर वो एक प्री डाउनलोडेड पाइपलाइन को यूज़ करें तो हमने प्री डाउनलोडेड पाइपलाइन को लॉन्च करने का यूज केस देख लिया है अब हम उससे देखेंगे कि हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं हार्डवेयर के लिए जो मेन बायफर्माटिक्स लॉजिक है वो हम इंटैक्ट रहने देंगे उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे तो अगर हम सी डी कॉन्फिक्स करें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत आ, कुछ फाइल्स हैं यहाँ पर और अगर मैं ट्री करता हूँ यहाँ पर तो हम install थ्री थ्री तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे असल में बहुत सारी फ़ाइल्स अवेलेबल हैं लेकिन हमें एम डी फाइल्स नहीं हमें डॉट कॉन्फिक फ़ाइल में इंटरेस्ट है तो हम यहाँ पर इस जगह पे अपनी एक कस्टम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल ऐड कर सकते हैं जैसे अगर आप सी डी कॉन्फ के अंदर जाएं और यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं लेकिन ये सारी कन्फिग्रेशन फाइल्स इंस्टीट्यूट्स के मेंबर्स uh, ने कंट्रीब्यूट uh, करी हैं एन एफ कोर में फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी ने एज योर आई डब्ल्यू एस बैच की कन्फिगरेशन कंट्रीब्यूट uh, करी है किसी ने एज बैच की कन्फिगरेशन कंट्रीब्यूट करी है ऐसे ही करके लोग uh, अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए एक कॉमन कन्फिगरीशन फाइल बनाते हैं जो कि वो एन एफ कोर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली जो अगला वीडियो है अगला जो हमारा मॉड्यूल है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है आपके लिए इंपॉर्टेंट uh, है क्योंकि अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे आप एन एफ़ कोर के डिवेलपर और डिवेलपमेंट टूलिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए हम वापस टॉप लेवल पर जाएंगे और इस नेक्स्ट फ्लोर डॉट कॉन्फिक फाइल को ओपन करेंगे आ, या फिर हम इवन नेक्स्ट फ्लो अंडस् एन एफ कोर अंडस्कोर कस्टम फाइल को ओपन कर सकते हैं ब्राउज uh, एक्सप्लोर uh, के एक्सप्लोर uh, को यूज़ करके हम देखें एन एफ कोर पाइपलाइन कॉन्फिक आप यहाँ देख सकते हैं एन एफ कोर कास्टम तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वो जो सारी पाइपलाइंस अब जो इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स हैं वो इस जगह पे एज़ अ प्रोफाइल हमने इंक्लूड करी हैं ठीक लेकिन अगर आप अपने कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप सिंपली एक प्रोफाइल बना सकते हैं जैसे ए आ, मेरी प्रोफाइल का नाम मैं दे सकता हूँ अभी यहाँ पे params में पैराम्स को में मैं कुछ कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं दे रहा हूँ उसका नाम आ, आउट डी आई आर मैं आउट डी आई आर पैरामीटर को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ इसका मैं नाम दूंगा आर एन एस एन एफ अभी रिजॉर्ट्स तो जैसे ही मैं इस, इस फाइल को सेव करता हूँ अब क्योंकि मैंने ये एन एफ को कस्टम कॉन्फिग्रेशन में ऐड करा है और अगर हम एन एफ नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फिक फ़ाइल को देखें तो वहाँ पर ये फ़ाइल इम्पोर्ट हुई है तो इसका मतलब मैंने एक बेसिकली एक नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फिक फ़ाइल में अपने अपने नाम के अभी नाम की एक प्रोफाइल को ऐड करा है और अब हम देखते हैं कि हम उसे uh, इस आर एन एस पाइपलाइन को रन करने के, uh, के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं शायद हाँ अब हम फिर से उस पाइपलाइन को रन करेंगे एन एफ कोर लॉन्च हम यहाँ पे बोलेंगे अगेन लोकल पाथ अब हम बोलेंगे वर्क स्पेस टूल्स ट्रेनिंग टूल्स इधर एक ऐसे साथ में उसके वर्क स्पेस टूल्स इसके साथ ट्रेनिंग फिर एन एफ कोर और इसके अंदर वर्क वर्क फ्लो वर्क फ्लो और इसके साथ हमारा हम एंटर कर सकते हैं अब हम अगर कमांड लाइन के बेसिस पे अपने पैरामीटर्स को कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि नेम मैं क्या देना चाहूँ अब कस्टम नेम है ना तो अब कस्टम नेम की वैल्यू सेट हो गई प्रोफाइल में मैं दे सकता हूँ टेस्ट डॉकर अभी और अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि आउट टी आई आर एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है आउट डी आई आर में मैं यहाँ पे दूंगा यहाँ पे वैल्यू दूंगा कस्टम आउट डी आई आर मैंने एंटर करा और इसके साथ कोई और मैं ये देख सकता हूँ कि कोई और अभी रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है तो मैं बस कंटिन्यू करता जाऊँगा और मैंने कुछ और कस्टमाइज़ नहीं करा है इसके साथ हमारे एक नई पैरामीटर फाइल जनरेट हुई अगर आप यहाँ पे वापस आके देखें अपने एक्सप्लोरर में तो अभी इस फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हो गई हैं तो शायद हम एक ट्रिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप वी एस कोड में कमांड पैलेट खोलें तो आप डायरेक्टली उस फ़ाइल का नाम दे सकते हैं एन एफ पैराम्स और वो फाइल आप यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं आ, ये फ़ाइल नहीं शायद वो दूसरी जगह पे बनी है क्योंकि हमने आउट डी का नाम कस्टम नाम दिया था तो ये रहा तो वो दूसरी फ़ाइल है एन एफ़ जो कि इस फोल इस डाउनलोडेड पाइपलाइन के फ़ोल्डर के अंदर बनी है ये पहले जो हमने फ़ाइल यूज़ करी थी पैराम्स उसका यूज़ नहीं करी तो शायद हम इसे डिलीट कर सकते हैं ताकि आ, कोई कंफ्यूजन ना रहे इस बार हम इसे रन करते हैं अब अब आप देख सकते हैं कि हमारा जैसे अपना हेड शॉट मूव करता हूँ कि इस बार टेस्ट डॉकर अभी प्रोफाइल हमने मेंशन करी थी तो वो उसने एन एफ को टूलिंग ने नेक्स्ट फ्लो को ये बताया कि ये वाली प्रोफाइल यूज़ करनी है अब नेक्स्ट फ्लो लॉन्च कर रहा है उस पाइपलाइन को अब इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कितनी कन्फिग्रेशन सेटिंग्स अवेलेबल हैं अगर मैं आपको नेक्स्ट अगर आप सर्च करें नेक्स्ट फ्लो कन्फिग्रेशन तो आपका पहला लिंक जो है वो आपको सही वेबसाइट पर ले जाना चाहिए ये वाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट फ़्लो के पास असल में बहुत सारे स्कोप्स हैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर हम हमने अभी तक खाली एक तरह के स्कोप की बात करी है जो कि है पैरामीटर स्कोप लेकिन बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक हायर है कन्फिग्रेशन सोर्सेज आर रिपोर्टेड बिलो लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसके जिसको नेक्स्ट फ्लो हर बार फॉलो करता है ये जानने के लिए कि आप कौनफि कौन सी कन्फिग्रेशन यूज़ करना चाहते हैं कन्फिग्रेशन में ये सिंटैक्स है जैसे कि आपको शायद कल के वीडियो से याद होगा कल के सेशन से और अब हम अगर हमने कन्फिक फाइल को इंक्लूड कैसे करते हैं हमने ये भी देखा है आज और अब हम स्कोप्स के बारे में बात करते हैं जल्दी से जैसे हमने पैर स्कोप को अभी तक हमने देखा है तो जो पैराम्स फाइल का जो पैरामीटर है हमारी कमांड में मैं इस कमांड यहाँ कैंसिल करता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था लेकिन मैं आपको मेनली दूसरी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है हमें नहीं अभी वो पॉसिबल नहीं है तो आपको दिखाना चाहता था पैराम्स हाँ तो ये जो एन एफ पैराम्स डॉट जेसन फाइल बनी है ये हाइफन फंड्स फाइल का वैल्यू बन जाती हाइफ एन फाइल के जो आर्ग्यूमेंट है नेक्स्ट फ्लो के लिए उसकी वैल्यू बन जाती है तो ऐसे करके आप कस्टम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ आप अगर, अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक आ, अपनी कोई भी एन एफ कॉर पाइपलाइन को कस्टमाइज़ करना चाहें या असल में किसी भी नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइन को भी कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप एग्जीक्यूटि स्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ आपके पास एक प्रोसेस स्कोप है शायद आपको याद हो कि कल हमने उसमें आ, डायरेक्टिव कंटेनर डायरेक्टिव या कौंडा डायरेक्टिव का यूज़ करा था और डायरेक्टिव्स आपको यहाँ पर प्रोसेस के फुल्ड प्रोसेस के पेज पे मिलेंगे सारे एक फुल एक, लिस्ट एक आपको वहाँ मिलेगी लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसे रिपोर्टिंग फंक्शनैलिटी हो गई फ्लो की या टावर की फंक्शनैलिटी हो गई या फिर ट्रेस की फंक्शनालिटी हो गई जो कि आपको ओवरऑल एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है कि एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन में आपने आ, कितना हार्डवेयर कितना हार्डवेयर यूसेज हुआ और कौन सा सॉफ्टवेयर यूसेज हुआ ये सब आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकता है तो अगर आप प्रोसेस के पेज पे आते हैं डायरेक्टिव्स के सेक्शन में आके आप देख सकते हैं कितने सारे डायरेक्टिव्स अवेलेबल हैं आप इस मेन्यू इस को ओपन करके आप ये भी देख सकते हैं जल्दी से कि, कितने सारे डायरेक्टिव्स अवेलेबल हैं Uh, इसके साथ हमारा एन एफ़ को टूल्स का यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है अब हम आगे की अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि आप एज़ अ डिवेलपर एन एफ़ को टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अब हम जैसे कि हमने एन एफ़ को टूल्स का एज़ अ यूज़र ओवरव्यू लिया है वैसे ही हम एज़ अ डिवेलपर ओवरव्यू लेंगे और हम देख सकते हैं कि uh, जो हमारा ट्यूटोरियल है ऑफिशियल वेब वेबसाइट पर टॉक्स सेक्शन के अंदर क्रिएटिंग पाइपलाइंस विथ एन एफ कोर इसमें हम डायरेक्टली अब क्रिएटिंग एक पाइपलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा गिट पॉड इन्वायरमेंट सेटअप है हमने एन एफ कोर टूलिंग के साथ इंट्रोडक्शन कर लिया है और इसके साथ हम एन एफ क्रिएट के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं अब आ, सबसे पहले मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा डिवेलपर ट्रेनिंग और इसके अंदर मैं अब किट पॉट को कम्प्लीटली रिलोड करता हूँ ताकि हम आ, उस फोल्डर के अंदर फिर से नई फाइल्स बना सकें और जो हमने करंट लोकेशन में फ़ाइल्स बनाई हैं वो हमें आ, वो उनके साथ कोई इंटरफेरेंस ना हो तो उसके लिए मैं फिर से ओपन फोल्डर करूँगा और टूल्स और इस बार मैं कहूँगा डेवलपर ट्रेनिंग उसके साथ ओके okay, तो वेबसाइट रिलोड होगी लेकिन एन एफ को टूल्स से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमारे टूल्स टैब से निकाल सकते हैं जो वेबसाइट पे टूल्स टैब है उसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन टूल्स के और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है टूल्स को लेके वो यहाँ पे सब मेंशनड है Uh, जैसे आप देखें इस वेबसाइट पर टूल्स आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल हैं इसके साथ एक और लिंटिंग स्पेसिफ़िक कन्फिग्रेशन uh, है एन uh, एफ़ टूल्स की जिसे आप देख सकते हैं एक यामल uh, फाइल को सर्च करके इसका हम अभी इस्तेमाल करेंगे लेकिन सबसे पहले एक पाइपलाइन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आप वापस हम पॉड में आते हैं हम बोल देते हैं येस मैं पोर्ट्स को बंद करूँगा और डेवलपर ट्रेनिंग फोल्डर को के अंदर हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी आ, अपनी डिस्कशन इसके साथ हम डेवलपर ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर हैं एंड एफ़ कोर टूल्स की हेल्प को फिर से एक बार देखते हैं और एक्सप्लोरर को बंद करते हैं तो डेवलपर रिलेटेड हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जैसे क्रिएट लेंट मॉड्यूल्स सब वर्क फ्लोज स्कीमा बम्प वर्जन एंड सिंक तो हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आ, और आ, हम स्टार्ट करते हैं एन एफ़ कोर क्रिएट से अगर मैं एन एफ़ को क्रिएट कमांड इशू करता हूँ टाइप करता हूँ अपने आ, टर्मिनल पे, आ, तो एन एफ को टूल्स फिर से मुझे एक इंटरक्टिव मेन्यू देगा जिसके थ्रू मैं अप्लाई कर सकता हूँ जो भी जो भी मेरे जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ जैसे इस वर्क फ्लो का नाम मैं दे सकता हूँ डेव फ्लो डेव फ्लो अभी के लिए हम ये नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन रैंडम डिस्क्रिप्शन ऑथर अभिनव शर्मा शायद अभिनव शर्मा अभी हम कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना चाहते तो हम एन कैपिटल एन दबा देते हैं और उसके साथ हमने हमारे एन एफ को टूल्स ने हमारे लिए एक फ़ोल्डर बना दिया है एन एफ को नाम से सो so ये हमारी टेस्ट पाइपलाइन है इसके अंदर हम लिंटिंग करेंगे और इसमें चेंजेस करेंगे और इसके साथ एन एफ को टूल्स के कुछ फ़ीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो अगर आप यहाँ पे यहाँ पर ध्यान दें आ, सबसे पहले एन एफ को टूल्स ने आपको फीडबैक दिया कि एक पाइपलाइन बनाई है इसने इसने गेट रिपोजिटरी को इनिशिएट करा है लेकिन अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आ, उस पाइपलाइन का एक रिमोट सेटअप करें तो ये जैसे ही आप रिमोट सेटअप करेंगे आप उसके बाद आ, आ, उसके बाद इस आ, जो सिंक कमांड है या फिर जो कोलेबोशन आप जिनके साथ कर रहे हैं उनके साथ आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस कोड को गेट पर शेयर करें या किसी भी वर्जन मैनेजमेंट होस्टिंग सोल्यूशन में uh, इसके साथ हम एन एफ कोर डेफ फ्लो के अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर uh, में खोल के देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं uh, शायद आपको याद हो हमने आर एन एस सी एन एफ़ कोर की फुल स्केल आर एन एस सी पाइपलाइन को गेटअप पे देखा था तो उसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर था यहाँ पर बेन डॉक्स मॉड्यूल्स सब वर्क और वर्क क्लोज फोल्डर और बाकी सारी जो फाइल्स हैं वो लिंटिंग ऑटोमेशन, टेस्ट और ऑटोमेटेड हम कह सकते हैं गिटहब एक्शंस का यूज़ हो रहा है तो ओवरऑल बहुत सारी ऑटोमेशन यूज़ हो रही हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए लेकिन जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पे गिटहब नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फ्लिक फाइल है जिसे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं आप लेकिन साथ साथ एक डॉट एन एफ फ़ाइल है जो मैंने अभी आपको मैंशन करी थी उसके साथ यहाँ पर है डॉक्स का फोल्डर जिसके अंदर कुछ readme कुछ मार्कडाउन फाइल्स हैं और कुछ इमेजेस हैं ये डॉक्स का फोल्डर यूज़ होता है पाइपलाइन के पेज पर डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए तो ये जो जितने भी फाइल्स हैं यहाँ पर ये इनका यूज़ या तो क्वालिटी कंट्रोल में होता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने में होता है इसके साथ हम देख सकते हैं ए, आ, अगर हम इस पाइपलाइन फो, के फोल्डर के अंदर आते हैं तो हम अगर लिंट कमांड का यूज़ करें क्योंकि पाइपलाइन जैसे ही बनती है उसके बाद अगर आपने कोई चेंज नहीं करा तो लिंट कमांड कुछ कुछ एरर्स देगा लेकिन वो बाय डिफॉल्ट है एरर्स uh, नहीं मैसेजेस देगा लेकिन वो डिफ़ॉल्ट हैं क्योंकि uh, आपके कोड में बहुत सारे इस टेम्पलेट के कोड में बहुत सारे टूडूज लिखे हुए हैं और लिंटिंग के जो रूल्स हैं उन्हें टू डू देखना इतना पसंद नहीं है उसकी उम्मीद ये है कि आप टू डूज को एड्रेस कर रहे हो सारे अभी देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका रिज़ल्ट uh, क्या आएगा आप ये देख सकते हैं कि हमारा ज़ीरो टेस्ट फेल है वो अच्छी बात है वन सेवेंटी नाइन टेस्ट फास्ट हैं और तेईस वार्निंग्स हैं इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर डू लिखा हुआ है तो टुडूज़ एक बेस्ट uh, प्रैक्टिस नहीं है लेकिन ये बस एक वार्निंग है क्योंकि आप ये एरर नहीं है इसका मतलब ये है कि आप इन्हें यूज कर सकते हैं इसके साथ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दो वार्निंग्स जो हैं वो स्पेसिफिक मॉड्यूल से आई हैं उनका रीज़न ये है कि उन दोनों मॉड्यूल्स के नए वर्जन अवेलेबल हैं हम मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए हम लिंटिंग की बात करते हैं तो अगर मैं एक कोई चेंज इंट्रोड्यूस करता हूँ एक मार्कडाउन फाइल में जैसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो गया ये जो फ़ाइल है ये आपके कंट्रीब्यूटर्स को एक तरह से गाइडेंस देती है कि आप आ, अगर कोई इस पाइपलाइन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और वो क्या करेक्ट और एक्सपेक्टेड बिहेवियर है एन एफ कॉर कम्यूनिटी के अंदर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन इन रूल्स को फॉलो नहीं करता या फिर मैं इस मार्कडाउन को किसी तरह से ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ दिस इज़ रॉन्ग या फिर मैं किसी दूसरी मार्कडाउन को भी इसी तरह से ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ साइटेशंस हो गई चेंज लॉग हो गया uh, अगर पाइपलाइन के रीडमी जो डॉक्यूमेंटेशन का रीडमी है रेज फॉर्निंग तो आप इसे भी वहाँ जब आप लिंटिंग करेंगे तो लिंटर आपको इसके इन दोनों चेंजेस के बारे में फीडबैक देगा अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दो फाइल्स का टेस्ट फेल हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि हमने मार्कडाउन के रूल्स फॉलो नहीं करे हैं और दूसरा कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कोड ऑफ कॉन्डक्ट एन एफ कोर में कम्युनिटी लेवल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है तो सारी पाइपलाइंस का टेम्पलेट सेम है uh, सारी पाइपलाइंस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट सेम है जो कि uh, जो कि एक कॉपी है टेम्पलेट कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तो आपको शायद याद हो कि एन कोर की टू सारी टूलिंग जो है वो एक टेम्पलेट के अराउंड है आ, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम बस एक जगह पे इम्प्लीमेंट करें और जो भी पाइपलाइंस बनती हैं या अपडेट होती हैं वो उस बेस्ट प्रैक्टिस को ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर सकती हैं क्योंकि वो टेम्पलेट में इंक्लूड हो चुका है इसके साथ आ, मैं ये चेंजेस को अंडू करता हूँ ताकि लिंटर खुश हो सके फिर से और अगर मैं वापस आके कोड ऑफ़ कंडक्ट को रिस्टोर कर देता हूँ तो हमारा लिंटर पहले की स्टेट में वापस आ जाएगा और इसके साथ हम देख सकते हैं अगर हम मैं लिंटिंग फिर से रन करूँ कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं आ, इसके अलावा और भी तरह के लिंटर्स हैं हमारे पास जैसे एक प्रिटियर का लिंटर है और आ, पाइथन का लिंटर है अगर आप प्रिटीयर के लिंटर को रन करना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं प्रिटियर डैश सी ये चेक करने के लिए है ये कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करेगा लेकिन अगर आप जैसे इस मार्कडाउन फाइल में फिर से कोई चेंज करें और प्रिटियर को रन करें तो आप देख सकते हैं कि प्रिटियर आपको फीडबैक देगा इस केस में प्रिटीयर ने फीडबैक नहीं दिया क्योंकि ये फाइल आ ये फ़ाइल प्रिटियर कवर नहीं करता प्रिटीयर जेसन फ़ाइल कवर करता है तो हम जेसन फाइल को अगर चेंज करके चेंज करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि प्रिटियर जो है हमें ओवरऑल फीडबैक देगा यहाँ पे प्रिटियर ने हमें फ़ीडबैक दिया है कि मॉड्यूल्स की जो मॉड्यूल्स डॉट जेसन फाइल है उसकी फॉर्मेटिंग एज एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि इस फॉर्मेटिंग को जो एन कोड कोर ने के टेम्पलेट की एक्सपेक्टेशन है कि स्पेसेस स्पेसेस हों किसी भी स्कोप के बाद की वैल्यू पेयर में स्पेसेस हो वो यहाँ पे ऑनर नहीं होती है तो आप प्रिटियर का यूज़ कर सकते हैं इस आ, इस चेंज को फिक्स करने के लिए भी प्रिटियर डैश और माइनस डब्ल्यू एंड डॉट तो प्रिटियर अपने आप ये देखेगा कि मिनिमम एफर्ट क्या करना चाहिए प्रिटियर को ताकि जो फाइल है जो कि कम्प्लाई नहीं करती वो कम्प्लाई करे तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अब प्रिटियर ने ऑटोमेटिकली इसे अपडेट कर दिया है और ये फाइल्स कम्प्लाई करती हैं सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि बिन फोल्डर के अंदर आपको शायद याद हो बिन फोल्डर की इम्पोर्टेंस जो हमने सिंपल आर एन एस पाइपलाइन के एंड में कवर करी थी जिसमें हम अपने कस्ट जिसमें हमने कस्टम स्क्रिप्ट डाली थी मैं इसे क्रॉस करना चाहता हूं और अपना शॉर्ट ऊपर मूव करता हूं जिसमें हमने कस्टम स्क्रिप्ट डाली थी फास्ट क्यू सी डॉट एस एच वैसे ही आप वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज की कस्टम स्क्रिप्ट डाल सकते हैं इसके इसमें हम आपको एक एन को डिफॉल्ट स्क्रिप्ट देता है जो कि है चेक सैम्पल शीट डॉट पाई अगर आप यहाँ पे कोई चेंज इंट्रोड्यूस करें जो कि लेंटर की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता पाइथन के लिए हम लिंटर जो यूज़ करते हैं उसका नाम है ब्लैक अगर हम यहाँ पर ब्लैक डॉट टाइप करें तो उसने बताया कि अभी तक जो भी हमने चेंज कराया है उससे पाइथ उससे इस लिंटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर हम आ, किसी आ, जो बेस्ट प्रैक्टिसज हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं जैसे जो फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं उनके बीच में एमट्री लाइन नहीं है या न्यू लाइन का न्यू लाइन हम रिमूव कर देते हैं तो अगर हम फिर से ब्लैक को रन करें तो हम देख सकते हैं कि ब्लैक ने इस बार एक फ़ाइल को रीफॉर्मेट करा है और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं और न्यू लाइंस हैं फंक्शंस के बीच में फिर से रिस्टोर करी हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लिंटिंग टेक्निक्स हैं जो आ, जो एन एफ़ को टेम्पलेट के साथ आती हैं और जिनका आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप आराम से अपने आ, अपनी पाइपलाइन को एन एफ़ को टेम्पलेट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कंप्लाई कर सकें इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लो स्कीमा को कवर करने के लिए नेक्स्ट फ्लो स्कीमा शायद आपको याद होगा कि हमने जब एन एफ को आर एन पाइपलाइन को देखा था यहाँ पर उसका जब एन एफ नेक्स्ट फ्लो स्कीमा को uh, की फ़ाइल को देखा था तो तब हमने बात करी थी कि कैसे ये स्कीमा उस पाइपलाइन पेज की पैरामीटर्स uh, uh, उस पाइपलाइन के पैरामीटर्स मेन्यू या सब पेज को रेंडर करने के लिए यूज़ होता है तो अब हम बात करेंगे कि आप uh, इस स्कीमा को बिल्ड कैसे कर सकते हैं और लेंट कैसे कर सकते हैं क्योंकि स्कीमा को स्कीमा uh, का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है आपके यूज़र्स की Uh, की हेल्प करने के लिए और सबसे पहले आपकी पाइपलाइन की यूजबिलिटी के लिए uh, अब हम देखेंगे गिट uh, पॉट के अंदर जाते हैं हम और वापस स्कीमा uh, को uh, देखते हैं कि हम स्कीमा को बिल्ड कैसे कर सकते हैं या लिंट कैसे कर सकते हैं पहले एन एफ को स्कीमा कमाल आप uh, पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑप्शंस हैं डैश एच और उसके बाद कमांड्स हैं चार कमांड्स अवेलेबल हैं हम करना चाहते हैं लिंटिंग तो हम खाली लिंट टाइप करेंगे और पाइपलाइन स्कीमा हम डॉट करना भूल गए थे क्योंकि आ, आप इस कमांड को अपनी लोकल वैल्यूज़ को या लोकल स्कीमा को एक रिमोट पाइपलाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम लोकल पाइपलाइन के साथ यूज़ करना चाहते हैं इसलिए हमने डॉट ऐड करा और हमारा स्कीमा वैलिड है हमारा लिंट लिंटर जो है स्कीमा लिंटर वो हैप्पी है वो खुश है इसके बाद अगर हम अपने पाइपलाइन के कॉन्फ़िग फाइल में इंट्रोड्यूस करते हैं कोई कोई चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कि लिंटिंग का क्या इस्तेमाल हो सकता है जब हम आ, अपनी पाइपलाइन के कन्फिग्रेशन में चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं बिना स्कीमा में चेंज करे तो अब हम यहाँ पे दो या एक पैरामीटर डालते हैं टेम्प पैराम उसका नाम हम दे सकते हैं एक्स वाई जी या फिर आप दे सकते हैं डिलीट मी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं आ, ये होपफुली आप जो नाम देंगे वो अपनी पाइपलाइन में आ, आपकी पाइपलाइन के रिलेवेंट होगा मैं बस ये डेमो पाइपलाइन है इसके लिए मैंने यहाँ पे रैंडम नेम्स दिए हैं और अगर आप पहले इस लिंट रन करके देखते हैं उसके बाद हम स्कीमा के ऊपर वापस आएंगे यहाँ पे सॉरी डॉट नहीं चाहिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब एक टेस्ट फेल हो रहा है अब हम देखते हैं कि क्यों वो फ़ेल हो रहा है पैराम टेम्प पैराम फ्राम नेक्स्ट फ्लो अंडर स्कोर स्की नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फ् नॉट फाउंड इन नेक्स्ट फ्लो स्कीमा इसका मतलब हमारे लिंटिंग टेस्ट ने ये पिकअप कर लिया कि आपकी जो नेक्स्ट फ्लो कॉन्फ्क फाइल है उसमें जो आपने पराम्स मैंशन करे हैं उसके बाद जो आपने अपने नेक्स्ट फ्लो स्कीमा में पैरामीटर्स मैंशन करे हैं उसमें मिसमैच है तो ये लिंटिंग आपकी डायरेक्टली हेल्प कर सकता है uh, इस चीज़ में अगर आप एन को स्कीमा को फिर से टेस्ट करें और उसमें इस बार बिल्ड का कर इस्तेमाल करें तो अब आप यूज़ करेंगे एन एफ कोर की टूलिंग को यस अब हम एन एफ कोर की टूलिंग को यूज़ करके अब आप जो आपने मिसमैच है उसे रिजोल्व कर सकते हैं यहाँ पे एन एफ़ कोर टूल ने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि पैराम्स डॉट टेम्प पैराम को आप स्कीमा में ऐड करना चाहेंगे या नहीं मैं ऐड करना चाहूँगा मैंने ऐड करा आ, वेब बिल्डर अभी हम चेस्ट कर सकते हैं कि वेब बिल्डर कैसा होगा अब हम अगर ओपन करें तो हमारे ब्राउज़र पे अलग से टैब खुली है वहाँ पे जैसे कि हमने पहले एन एफ को लॉन्च के टाइम पे देखा था पैरामीटर्स की स्कीमा यहाँ पे उसका एडिटर का इंटरफेस आता है कि अब आप इस वेबसाइट या इस व्यू को यूज़ करके आप अपने लिए अपनी पाइपलाइन के लिए एक स्पेशल नेक्स्ट फ्लो स्कीमा डिज़ाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो पैरामीटर रिक्वायर्ड है नहीं है या फिर हाइड है हिडन पैरामीटर है या फिर उसका वैलिडेशन पैटर्न या फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आ, या ऑप्शंस की कुछ तीन या चार ऑप्शंस के अंदर में से ही उसका उसकी वैल्यू होनी चाहिए और आप ये कैटेगरीज भी सेट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नेक्स्ट फ्लो नेक्स्ट फ्लो स्कीमा फाइल को यूज़ करके और एन एफ कोर टूल्स का यूज़ करके आप आराम से बिल्ड कर सकते हैं अब आप ये कॉपी करके अपने एडिटर पे वापस जाके सेव भी कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट फ्लो स्कीमा फाइल को यहाँ पे खोलें हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे और डायरेक्टली उसे सर्च करेंगे नेक्स्ट फ्लो स्कीमा इस पूरी फ़ाइल को मैं अपडेट कर सकता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा नया पैरामीटर है टेम्प पराम उसका टाइप स्ट्रिंग है डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी है डिलीट में लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसे मैं फिर से रीबिल्ड कर सकता हूँ और फिर से मैं एन एफ कोर का स्कीमा एडिटर खोल सकता हूँ उसके लिए हमें फिर से एन एफ कोर स्कीमा बिल्ड कमांड टाइप करना होगा और उसे यूज़ करना होगा जैसे ही हम यूज़ करते हैं हमारे पास एन एफ कोर ने पूछा एन एफ को टूल्स ने पूछा कि हम वेब बिल्डर को स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं अगर हम येस बोलते हैं तो फिर से हमारे पास सेम ऑप्शन आएगा सेम एक्सपीरियंस है और इस बार हम अपने कस्टम पैरामीटर को आ, और इन्हांस कर सकते हैं जैसे अगर आप देखें आ, हमारा कस्टम पैरामीटर आ रहा है यहाँ पर तो हम उसे एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं दिस इज़ द सैम्पल डिस्क्रिप्शन हम उसका टाइप चेंज कर सकते हैं इंटीजर बुलियन स्ट्रिंग ओके यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है अगर हम इसका आइकन इसको एक स्पेसिफिक लोगो देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं यहाँ क्लिक करके जैसे अगर मैं चाहूँ ए इसका आइकन दे दिया हमने और जब हम uh, हमने सारे एडिट्स अपने कर लिए तब हम फिनिश पे क्लिक करके इस पूरे स्कीमा को कॉपी कर सकते हैं और वापस अपने एडिटर पे जाके इस स्कीमा की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं अब आप देख रहे हैं कि स्कीमा का जो स्कीमा हमारा अपडेट हो चुका है रिक्वायड पैरामीटर और हमारे पास एक आइकन ऐड हो चुका है तो नेक्स्ट फ्लो स्कीमा डॉट जेसन फाइल काफ़ी बड़ी है लेकिन जो एन एफ ने टूलिंग बनाई है इस स्कीमा फाइल के लिए वो वो आपकी बहुत मदद कर सकती है इसे अपने आ, अप, अपनी पाइपलाइन में यूज़ करने के लिए ताकि आपकी पाइपलाइन यूज़र फ्रेंडली हो और यूज़र्स को एक मीनिंगफुल फीडबैक दे सके इससे पहले कि वो पाइपलाइन को लॉन्च करें आ, इसके बाद अब हम जल्दी से बात करना चाहते हैं हमने लिंटिंग की बात करी है कंटिन्यूस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं जल्दी से जिसके अंतर्गत अगर आप uh, अपने पाइपलाइन को गिटहब के साथ बिल्ड करते हैं तो आपको जो भी हमने एक्शंस बिल्ड करे हैं जो डॉट गिटहब एक्शंस फोल्डर के अंदर सेव्ड हैं अभी हमारा किट पॉड रिलोड कर रहा है फाइल सिस्टम से अपने और जैसे ही गिटहब का डॉट गिटहब का फोल्डर आपके किटपॉड में ओपन होता है आप देख सकते हैं इश्यू टेम्पलेट्स और वर्क फ्लोज तो जैसे ही आप वर्क फ्लोज को खोलेंगे आप देख सकेंगे कि, आ, आ, कि हर एक मास्ट हर एक पाइपलाइन की स्टेबल रिलीज पर बहुत सारे टेस्ट ट्रिगर होते हैं या फिर अगर आप आ, कोई पुल रिक्वेस्ट इस पाइपलाइन के साथ में मर्ज करना चाहते हैं तो हर एक पुल रिक्वेस्ट जो है एक रिगुलस टेस्टिंग के थ्रू के थ्रू टेस्ट करी जाती है आ, जैसे लिंटिंग हो गया सी हो गया ए टेस्ट हो गया ए फुल टेस्ट तो जो भी पाइपलाइन की स्टेबल रिलीज़ है कुछ कंडीशंस के अंदर हम उन्हें आ, उन कंडीशंस में स्टेबल रिलीज आती है आ, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये वर्क ट्रिगर होते हैं और वो पाइपलाइन पूरी तरह से टेस्ट होती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में तो अब हम आगे चल के बात कर सकते हैं आ, अपनी लिंटिंग को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने के लिए जैसे कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको अपना लिंटर स्पेशली डेवलपमेंट टाइम पे जब आप लिंटर के इतने सारे टेस्ट इनेबल नहीं करना चाहते तो डॉट एन एफ़ कोर डॉट फाइल जो है इसका आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं जिस जिनका एग्जांपल्स हमारे टूल्स वेबसाइट पे है जैसे एक्शंस ए डब्ल्यू एस फुल टेस्ट फॉल्स पाइपलाइन टू डूज फॉल्स अगर हम ये ऐड करें अपनी पाइपलाइन में आ, अपने सेटअप में जैसे उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए तो हम देख सकते हैं कि आ, हम लिंटर का बिहेवियर कंट्रोल कैसे करें अब हम अपने टर्मिनल पे वापस आके मेरा टर्मिनल हाँ थोड़ा सा फ्रीज हुआ था लेकिन अब वापस आ चुका है हाँ तो अब हम ट्राई कर सकते हैं एन एफ कोर लेंट जैसे ही हम लेंट रन करेंगे इस बार हमारी जो वार्निंग्स थी टू डूज़ को लेके वो डिस्प्ले नहीं होंगी आप देख रहे हैं खाली तीन वार्निंग्स हैं जो कि अब मॉड्यूल के वर्जन से रिलेटेड हैं और स्कीमा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है क्योंकि उसमें हमने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करा अलग से आ, ऐसे करके आप लिंटर का आ, बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ अब हम अपना आ, मॉड्यूल्स की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं कि आप लोकली एक मॉड्यूल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर मॉड्यूल्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो इसके साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट मॉड्यूल में ट्रांजिशन करते हैं जैसे कि हमने पाइपलाइंस की क्रिएशन स्कीमा क्रिएशन और लिंटिंग uh, के बारे में बात करी है अब हम बात करेंगे मॉड्यूल्स और सब वर्क तो मॉड्यूल्स जो है Uh, शायद आपको याद होगा कि हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर चुके हैं मॉड्यूल्स एन एफ़ कोर का एक सब प्रोजेक्ट है जिसके जिसके अंतर्गत आप uh, आप बहुत सारे मॉड्यूल्स जो रेडीली अवेलेबल हैं फॉर्मेटेड हैं और रीयूजबल हैं उन्हें एन एफ़ कोर वेबसाइट से अपनी पाइपलाइन में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर अपडेट uh, कर सकते हैं तो अभी एन एफ़ कोर मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट में आठ सौ बत्तीस मॉड्यूल्स हैं एट हंड्रेड थर्टी टू मॉड्यूल्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं हर एक मॉड्यूल की इनपुट आउटपुट आपको इस मॉड्यूल लिस्टिंग पेज पर मिल जाएगा उसका थोड़ा सा आइडिया लेकिन अगर आप एक मॉड्यूल को खोलें मॉड्यूल पेज पे क्लिक करें मॉड्यूल लिंक पे क्लिक करें तो एक मॉड्यूल स्पेसिफिक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अज्यूम करते हैं कि हम इसी मॉड्यूल को अपनी पाइपलाइन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इस कमांड को कॉपी करेंगे और देख सकते हैं कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है इसका इनपुट क्या है आउटपुट क्या है क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए और इसकी पब्लिकेशन क्या है लाइसेंस क्या है और इसकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन का लिंक क्या है ये सब हमें बाय डिफॉल्ट एन कोर की वेबसाइट और मॉड्यूल्स सब प्रोजेक्ट के अंदर आ, मिल सकता है अब अगर हम अपने पाइपलाइन के अंदर ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहें हमें बस एन एफ कॉर मॉड्यूल्स इंस्टॉल कमांड देनी है और जो भी चेंज इम्प्लीमेंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे आप मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर देख सकते हैं अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये मॉड्यूल्स फ़ोल्डर जो है इसके अंदर दो सब फोल्डर्स हैं जैसे लोकल और एन एफ़ कोर अगर आप एन एफ़ कोर टूल्स का यूज़ करके एक एन एफ कोर स्टैंडर्ड मॉड्यूल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड एन एफ कोर फोल्डर के अंदर होगा लेकिन अगर आप कोई कस्टम मॉड्यूल बनाना चाहते हैं अपनी पाइपलाइन के लिए जो कि एन एफ कोर में हो सकता है प्रेजेंट ना हो तो वो लोकल फोल्डर के अंदर जाएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं आ, आ, मेरे हिसाब से इसका नाम ए, सिर्फ एक एस से एंड होता है एक एस है परफेक्ट तो अब जो है हम इसे इस टूल को इंस्टॉल करते हैं और अगर हम देखें कि जो हमारी मॉड्यूल्स डॉट जेसन फाइल है अब गिट पॉड हमें दिखाएगा कि उसमें एक छोटा सा चेंज हुआ है मॉड्यूल्स डॉट जेसन फाइल सॉरी हाँ यही जो स्ट्रक्चर है मॉड्यूल्स डॉट जेसन का ये अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट के साथ आता है वो स्ट्रक्चर था लेकिन जैसे ही हमने एक मॉड्यूल इंस्टॉल करा ये फ़ाइल अपडेट हो गई तो ये फाइल जो है एन को टूल्स अपडेट करते हैं ताकि अपडेट करता है ताकि वो ट्रैक कर सके कि कौन सा मॉड्यूल जो है एन एफ कोर की कौन सी कौन से वर्जन कौन से वर्जन के साथ डाउनलोड हुआ है अब ये टूल का वर्जन नहीं है ये एन एफ़ कोर के मॉड्यूल का वर्जन है जो कि एक टूल के वर्जन को यूज़ करता है तो इन चीज़ों को आप कन्फिग्रेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं जिसके बारे में हम थोड़े टाइम बात बात करेंगे फिर से अभी के लिए हमने ये देखा कि आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अब आप मॉड्यूल को अगर रिमूव करना चाहें तो वो भी देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं हम पूरा नाम भी दे सकते हैं या फिर हम एन एफ़ कोर मॉड्यूल्स रिमूव टाइप कर सकते हैं और हमें इंटरेक्टिव ऑप्शन इंटरक्टिव ऑप्शन मिल जाएगा जो एन एफ़ कोर टूल्स हमें देता है ताकि हम uh, हमें इतना कुछ सर्च ना करना पड़े अब हम देखेंगे एबे किस एंड देन हम खाली एंटर प्रेस करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल्स और जेसन से एबेक्स की एंट्रीज़ गायब हो चुकी हैं और हमारे फाइल सिस्टम के अंदर से एबैक्स गायब हो चुका है जो कि पहले था अब अगर हम कोई दूसरा टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे आ, पहले हम ये देखते हैं कि लोकल मैं पहले इसे बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग इसे देख सकें अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम आ, जो करेंटली इस पाइपलाइन में मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी एक लिस्ट देखें तो हम ये सिंपली ये कमांड दे सकते हैं एन एफ मॉड्यूल्स लिस्ट अगर हम यहाँ पे एंटर करें तो हमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसकी दो सब कमांड्स हैं लोकल और रिमोट पहले हम देखते हैं कि लोकली कौन कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं उसके बाद हम रिमोट पे देखेंगे तो जब आप लोकल मॉड्यूल्स का देखते हैं ये कमांड देते हैं तो एन एफ टूल्स आपकी ये मॉड्यूल्स और जेसन फाइल को रेफर करता है और आपको ये बता सकता है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स आपकी पाइपलाइन में इंस्टॉल्ड हैं कौन सी रिपोजिटरी से आए हैं और क्या वर्जन है इस मॉड्यूल का ना कि इस टूल का तो इस इसके साथ एक मैसेज और डेट लेकिन अगर आप रिमोट में देखना चाहें कि आपके पास कितने मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं तो आप, आपके पास ये पूरी लिस्ट प्रिंट होगी ये लग आठ मॉड्यूल्स की लिस्ट प्रिंट होगी आपके पास और शायद ये आप पूरी लिस्ट ना देखना चाहें आप कुछ ही चीज़ें इसमें से देखना चाहें तो चलिए देखते हैं कि हेल्प में हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे जेसन आउटपुट है अगर आप फिल्टर करना चाहें इन मॉड्यूल्स को तो आपको वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ पे जेसन आउटपुट को यूज़ करके इन मॉड्यूल्स को फिल्टर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस कमांड को यूज़ करके ग्रैप करके फिल्टर कर सकते हैं जैसे सैम टूल्स तो इतने सारे सब मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं सैम टूल्स के लिए सैम टूल्स टूल है एक और टूल का नाम और ऑप्शन का नाम ये डिज़ाइन पैटर्न है एन एफ़ कोर मॉड्यूल्स के लिए आप टूल का नाम पहले लिखेंगे उसके बाद ऑप्शन का नाम बाद में लिखेंगे तो आइए इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं सैम टूल्स व्यू को एन एफ कोर मॉड्यूल्स इंस्टॉल इंस्टॉल अगर मैं मॉड्यूल का नाम यहाँ पे ना देके इस कमांड को रन करता हूँ तो एन एफ़ टूल्स फिर से मुझे इंटरएक्टिव मेन्यू देगा जिसमें मैं सैम टूल्स का नाम जैसे ही टाइप करूँगा वो मुझे ऑटो कम्पलीशन करके देगा हमें जैसे व्यू को इंस्टॉल करना है तो हम हमने टाइप करा और टैब बटन दबाया उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आ, पहली बात हमारा जो मॉड्यूल डॉट जेसन फाइल है वो फिर से अपडेट हुई है जिसके अंदर अब सैम टूल्स व्यू इंक्लूड हुआ है दूसरा सेम सैम टूल्स व्यू जो है हमारे एन एफ कोर मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर एन एफ कोर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है अब एक और बात हमें एन एफ कोर टूल्स ने बताई कि जो हमारा सैम टूल्स व्यू है वो uh, एक फाइल में ऐड हो चुका है जो कि है हमारी यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू इंक्लूड दिस मॉड्यूल अगर आप इस मॉड्यूल को अपने मेन डॉट एन में इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर सब वर्कफ्लो में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस कमांड को दे सकते हैं आ, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा सकता हूं जैसे अगर आप मेन डॉट एन में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप टॉप पे जाइए मेन डॉट एन नहीं सॉरी शायद आपको ये ये स्ट्रक्चर भी बता दूं यही सही टाइम है तो जैसे आप एम मेन डॉट एन फाइल को खोलते हैं आप ये देख सकते हैं कि इस फाइल में पहली बात डी एस एल नेक्स्ट फ्लो की डी एस एल टू को इनेबल करा है ये सबके लिए कॉमन है उसके बाद ये पैरामीटर वैल्यूज़ को गेन करता है और उसे फिर प्रिंट करता है यहाँ पे हम वैलिडेशन भी करते हैं साथ में इसके बाद आप एक वर्क फ्लो को एक वर्क फ्लोज नाम के फ़ोल्डर से इंपोर्ट कर रहे हैं और उस वर्क फ्लो को यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं आ, अब अगर आप देखें आ, इस वर्क फोल्डर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे डेफ फ्लो नाम की फ़ाइल यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट हुए हैं और मॉड्यूल्स का यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे इसी तरह से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और क्योंकि हमने ये मॉड्यूल एन एफ कोर्स से डाउनलोड करा है बेहतर है कि हम इसे इस जगह पे ऐड करें और फॉर्मेटिंग पैटर्नस को आ, के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं अब हमने इस मॉड्यूल को हमारी वर्क फ्लो फाइल में ऐड कर दिया है इसी तरह से हम अगर चाहें तो कितने भी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं आप और हमारे वर्क फ्लोज़ में इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन अब अगर आप देखना चाहें कि एक मॉड्यूल की अवेलेबल पैरामीटर्स क्या हैं तो आप आपको वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं जो कि आप कर सकते हैं लेकिन शायद आपके लिए Uh, अगर आप कमांड लाइन के यूज़ टू हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा इजी होगा इन्फो और सैम टूल्स व्यू यहाँ से आप डायरेक्टली उस मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं चाहे वो लोकल मॉड्यूल हो या रिमोट मॉड्यूल हो तो आपको एन एफ़ को टूल्स ये सारी चीज़ें कंपेयर करके बता सकता है और आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो अपने वर्क फ्लो में डिज़ाइन करना है जो इनपुट और आउटपुट डिज़ाइन करने हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं इसी के साथ हम और कमांड्स देखते हैं जो एन एफ कोर के मॉड्यूल्स कमांड के अंदर कवर होती हैं अब आप देख सकते हैं कि कुछ कमांड्स पाइपलाइंस के लेवल पे हैं और कुछ कमांड जो हैं न्यू मॉड्यूल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं अभी हम खाली पाइपलाइन लेवल पे बात करेंगे और देखेंगे आ, हम एक मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमने अभी जस्ट कवर करी है हम देखेंगे एक मॉड्यूल को पैच कैसे कर सकते हैं तो मानते हैं मानते हैं कि अगर आप किसी एन एफ मॉड्यूल को कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं तो हम सैम टूल्स व्यू को ओपन करते हैं और मेन डॉट एन फाइल को ओपन करेंगे मेन डॉट एन फाइल ये आपको अब आप थोड़ी फमिलियर दिखनी चाहिए क्योंकि इसमें बस एक ही प्रोसेस है तो जो कल हमने प्रोसेस को डिस्कस करा था मॉड्यूल्स जो है एन एफ कोर मॉड्यूल्स सब प्रोजेक्ट जो है ये नेक्स्ट फ्लो की उस एबिलिटी का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है और इसे बिल्डअप करता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बस एक प्रोसेस है और उसके साथ हमने स्टब्स का भी यूज़ करा है इस ये थोड़ा सा एडवांस्ड यूसेज है आ, लेकिन स्टब्स का मतलब ये है कि आ, आप नेक्स्ट फ्लो को ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये पूरा स्क्रिप्ट का सेक्शन एग्जीक्यूट करने की जगह आप बस वो फाइल डमी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपने मॉड्यूल का लॉजिक चेक कर सकें इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये सब वेल well फॉर्मेटेड है तो जो भी लिंटिंग रूल्स हमने पाइपलाइन लेवल पे देखे वो सेम लिंटिंग रूल्स जो हैं मॉड्यूल लेवल और सब वर्क लेवल पे भी अप्लाई होते हैं अब हम एक पैटर्न इस, इसको चेंज करके देखना चाहते हैं कि क्या असल होगा क्या असर होगा इसका और अगर हम अब एन एफ कोर लिंट को रन करें तो हम ये देखेंगे कि लेंट लिंटिंग टूल जो है अब हमारा खुश नहीं है क्योंकि हमने एक एन एफ कोर मॉड्यूल को लोकली चेंज करा है और हमने एन एफ कोर और अभी ये पाइपलाइन जो है और अभी ये पाइपलाइन एक तरह से रिप्रोड्यूसिबल स्टेप या फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एन एफ कोर की चेक्स एंड बैलेंसेस हैं डेवलपमेंट को लेके उनसे कंप्लाई नहीं करता तो इसका मतलब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे अभी और कुछ चीज़ें ऑब्वियस ऑब्वियस नहीं हैं एन एफ कोर टूल्स के लिए तो अगर मैं इस मॉड्यूल को लोकली चेंज करना चाहता हूँ मैं पूरी तरह से शोर हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं यूज़ करूँगा एन एफ मॉड्यूल्स पैच कमांड का अब अगर पैच कमांड का हम यूज़ करें तो हम देख सकते हैं व्यू सैम टूल्स व्यू इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इसका मतलब कि हमने कुछ गलत करा है आ अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ये नाम पूरा नहीं आया तो इसका मतलब इस बार हम रन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि पूरा नाम आए तो हम पूरा नाम टाइप करते हैं व्यू और इस बार पैच कमांड ने करेक्टली पिकअप करा जो भी हमने चेंजेस करे थे और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आती है कि चेंजेस इन मॉड्यूल ओके चेंजेस इन दिस फाइल ओके उसके बाद इन्फॉर्मेशन इज़ मेटा यामल इज़ अनचेंज वो जो सही बात है और पैच फाइल जो भी बनी वो एक डिफ फाइल के अंदर सेव हो गई है और जो एक्चुअल में हमारा डिफ है वो बस ये है तो अब हम देखते हैं डिफ फाइल को जो कि हम लेफ़्ट हैंड साइड में देख सकते हैं डिफ फाइल को खुलते हैं तो ये हमारे चेंजेस हैं वी एस कोड या फिर गिट पॉड शायद आपको इसी फॉर्मेट में दिखाए तो हम देख सकते हैं कि अब हम हमने एन एफ़ को टूल्स को यूज़ करते हुए जो भी हमने लोकल चेंज इंस्ट्रोड्यूस करा था उसे हमने ट्रैक करा अब अब अगर हम अपनी मॉड्यूल्स और जेसन फाइल को देखें और सैम टूल्स व्यू की एंट्री को देखें तो ये पैच भी वहाँ पे ऐड होता है तो इसका मतलब अब एन एफ़ को टूल जो है वो अवेयर है जो भी हमने चेंजेस करे हैं उनसे अवेयर है इसका मतलब कि वो जानता है कि ये चेंजेस हैं और वो अब लिंटिंग के टाइम पे कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि हमने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करी कि एन को टूल को अपडेट करा कि ओके okay, कि हमारा लोकल चेंज ये है प्लीज ट्रैक इट इसके बाद हम देखते हैं लिंट करके इस बार हमारा लिंटिंग का एरर नहीं आना चाहिए और जीरो लिंटिंग एरर्स लेकिन अब हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं पाइपलाइन टेस्ट वार्निंग जो है हमारी स्कीमा से रिलेटेड है आ, लेकिन अब हम एड्रेस करेंगे मॉड्यूल टेस्ट वार्निंग को जिसका एरर वार्निंग मैसेज है कि नया वर्जन अवेलेबल है तो ठीक है तो अब हम मॉड्यूल्स का एक और फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं जिसका मतलब जिसका नाम है अपडेट अगर हम अपडेट करें तो देखते हैं क्या होगा नेम्ड uh, मॉड्यूल कर सकते हैं अपडेट और ऑल मॉड्यूल्स Uh, क्योंकि हमारे पास दो वार्निंग्स हैं और ये टेस्ट पाइपलाइन है तो हम ऑल मॉड्यूल्स अपडेट करते हैं जस्ट अपडेट एवरीथिंग ठीक है तो इसके साथ हमारा हमारी पाइपलाइन का सब कुछ अपडेट uh, के जो मॉड्यूल्स हैं सारे मॉड्यूल्स वो अपडेट हो गए हैं अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये चेंज हुई है मतलब हमारा अब जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट की एक पर्टिकुलर रिवीजन से फेच करे गए हैं और वो रिविज़न चेंज हुई है हम चाहे तो खाली एक मॉड्यूल को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन इस केस में हमने सब मॉड्यूल्स को एक बार में अपडेट करने का डिसीजन लिया। तो इसके साथ अब हम लोकल मॉड्यूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोकल मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लोकल मॉड्यूल्स का केस क्या है पहली बात लोकल मॉड्यूल्स का जो केस है वो है कि अगर आप एन एफ कोर जो मॉड्यूल आप चाहते हैं वो एन एफ कोर में प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब एन एफ को टूल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते उस मॉड्यूल को मैनेज करने के लिए लेकिन क्रिएट करने के लिए अभी भी कर सकते हैं यूज़ तो आइए मॉड्यूल क्रिएट करते हैं मॉड्यूल्स क्रिएट और उस मॉड्यूल का नाम हम देते हैं डेव मॉड्यूल तब आप ये देख सकते हैं कि एक वार्निंग आई हमारे पास एन एफ को टूल्स ने एनाकोंडा जो ए पी आई है जो जहाँ पे बायोकोंडा और कोंडा के पैकेजेस पब्लिश होते हैं उससे कंफर्म करा कि डेव मॉड्यूल नाम का कोई प्रोजेक्ट या कोई टूल अवेलेबल है वहाँ पे कि नहीं और हमें इसने फीडबैक दिया अगर हम चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं या फिर आ, हम यहाँ पे रुकते हैं और एक नया मॉड्यूल बनाते हैं इस बार उस टूल का जो कि हम जानते हैं कि अवेलेबल है जैसे सैम टूल्स या बी डब्ल्यू ए मैम ये मॉड्यूल जो है एन एफ टूल्स में भी अवेलेबल है लेकिन मैं एज एन एग्जाम्पल इस मॉड्यूल को फिर से बनाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं दिखा सकूँ कि आप इस मॉड्यूल को एक लोकल मॉड्यूल को कैसे बना सकते हैं देखिए बायोकोंडा पैकेज एन एफ़ टूल्स ने आइडेंटिफाई कर लिया ताकि एक पैकेज वर्जन कस्टमाइज कर सकते हैं बाद में अभी एन एफ टूल्स जो है डॉकर और सिंगुलारिटी वर्जन कन्फर्म कर रहा है कि इस बी डब्ल्यू ए के वर्जन के करिस्पांडिंग कौन कौन से डॉकर uh, और सिंगलारिटी वर्ज़न अवेलेबल हैं जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है हम देख सकेंगे कि हमारे जो लोकल फोल्डर है उसके अंदर ये क्रिएट हो चुका है मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा ताकि जो भी इंटरनेट का डिले था वो कंप्लीट वो ओवरकम कर सकें और हम अपने प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ सकें अब आ, जो बायो कंटेनर्स है वहाँ से हमें डेफिनेट वर्जन अभी नहीं मिला लेकिन हो सकता है ये कोई टेम्प्रेरी इशू हो उस ए में नॉर्मली आपको उस ए के थ्रू डॉकर का डॉकर कंटेनर का वर्जन और सिंगलारिटी कंटेनर का वर्जन और एड्रेस सब मिलेगा ऑथर का नाम देता हूँ मैं यहाँ पे अभिनव मैं चाहूँ तो आ, कुछ मीडियम या हाई प्रोसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ इसके साथ हम मेटा मैप रिक्वायर करते हैं करेंगे कि नहीं मेटा मैप जो है मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट में डिज़ाइन पैटर्न है मेटा मैप का मतलब है जो भी आप एक पर्टिकुलर सैम्पल के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो एक मेटा मैप के अंदर भेज सकते हैं अभी के लिए हम बोलते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है और इसके साथ एन एफ टूल्स ने वो मॉड्यूल लोकली बना दिया है अब मॉड्यूल्स लोकल फोल्डर के अंदर वो बी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है मैम डॉट एन एफ़ इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट ट्रैक होता है मॉड्यूल्स डॉट में या नहीं आप ये देख रहे हैं कि लोकल मॉड्यूल जो है वो इसमें ट्रैक नहीं होता है इसका मतलब जो है जो भी चेंजेस इस मॉड्यूल में होंगे वो खाली आपके वर्जन कंट्रोल के ट्रैकिंग में एंटर करेंगे ना कि एन एफ के टूल्स की ट्रैकिंग में आ, अब आप हो सकता है कि इतने सारे टू डू देख कर आपको थोड़ा अलग लगे लेकिन आपको ये सब अच्छे से समझने की जरूरत नहीं है आप ये सब डिलीट कर सकते हैं और बस उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो कि आपके मॉड्यूल के डिज़ाइन के लिए एसेंशियल है आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं आप ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है तो आज नहीं तो कल आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े लेकिन अभी के लिए आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं तो ऐसे करके आप एक लोकल मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं उसके साथ अगर हम देखना चाहें कि और कौन से कमांड्स अवेलेबल हैं मॉड्यूल्स के लिए तो मॉड्यूल्स के लिए एक कमांड अवेलेबल है कमांड अवेलेबल है, तो so, आइए करके हम देखते हैं अपने मॉड्यूल्स को लोकल मॉड्यूल्स को स्पेशली तो so, हमारे पास दो वार्निंग्स हैं जो कि है बायोकोंडा में फास्ट क्यूसी का वर्जन अपडेट हो चुका है और प्रोसेस का नाम Uh, इस मॉड्यूल में वर्जन फाइल में यूज़ uh, नहीं हुआ इसके अलावा हमारा uh, हमें कोई uh, अलग से इशू नहीं है uh, हमारे ज़्यादातर टेस्ट पास करते हैं और अगर आप चाहें तो अपने मॉड्यूल के लिए एक uh, मैं फिर से खाली मॉड्यूल्स का रन करूँगा ताकि मैं ये देख सकूँ और आप ये देखना चाहें अपने लिए टेस्ट यामल फाइल क्रिएट करना चाहें तो आप देख सकते हैं BWA डब्ल्यू ए मैम देखते हैं अब ये आ ये खाली एन एफ कोर मॉड्यूल्स की डेवलपमेंट के टाइम के लिए यूज़ होता है इसलिए अभी आप आ, हमारा लोकल जो मॉड्यूल है बी डब्ल्यू वो नहीं देख सकते आ, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहें आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में कोई यूज़ करने में और, और नए मॉड्यूल्स ऐड करने में तो आप मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट को ओपन करके आप उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं इसके बारे में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है और आप इस प्रोजेक्ट को पुल रिक्वेस्ट देख सकते हैं आप मॉड्यूल्स को देख सकते हैं कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं कैसे डिज़ाइन होते हैं और ऑटोमेटेड टेस्ट कौन कौन से हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगर आप मॉड्यूल्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे विजिबल है इसके साथ अब हम ट्रांजेसन करते हैं सब वर्क फ्लोज़ की तरफ जो कि बहुत सिमिलर है मॉड्यूल्स के एक्सपीरियंस के साथ और वो जितने भी सब वर्क फ्लोज अवेलेबल हैं एन एफ़ कोर की तरफ से वो भी इस मॉड्यूल्स प्रोजेक्ट के अंदर हैं तो आप क्या कर सकते हैं जैसे अगर आप टूल्स की डॉक्यूमेंटेशन पे वापस जाएँ तो आप आ, इसके इंट्रोडक्शन uh, या टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाके देख सकते हैं कि मॉड्यूल्स में कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं और और वो हर एक कमांड का एक डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन है आप उसे भी रेफर कर सकते हैं और ऐसे ही सब वर्क फ्लोज के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं जैसे अगर आप हमारी पाइपलाइन में देखना चाहें कि एन को सब वर्क फ्लोज़ कौन कौन से सब वर्क फ्लोज अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं रिमोट रिमोट में हमारे पास ये कॉमन सब वर्क फ्लोज अवेलेबल हैं जैसे अगर आप इंस्टॉल करना चाहें बैम और सैम टूल्स का जो कॉमन कॉम्बिनेशन है उसको लेके बैम स्टार्ट सैम टूल्स उस सब वर्क फ्लो को इंस्टॉल करना चाहें तो आप सिमिलर एक्सपीरियंस यूज करें सिमिलर कमांड यूज़ करेंगे एंड ऑफ कोर्स सब वर्क फ्लो इंस्टॉल बैम स्टार्ट सैम टूल्स और एन एफ़ कोर जो है एन एफ़ कोर टूल्स जो है वो आपके सब वर्क फ्लोज फोल्डर के अंदर उसको उस सब वर्क फ्लो को इंस्टॉल कर देगा जैसे आप यहाँ देखें उसके अंदर भी सेम मॉड्यूल्स फोल्डर की तरह फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप है जैसे एक लोकल सब वर्क फ्लोज़ के लिए फ़ोल्डर है एक एन एफ कोर सब वर्क फ्लोज के लिए फोल्डर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब बैम स्टार सैम टूल्स का जो सब वर्क फ्लो है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है अब हम मॉड्यूल्स डॉट जेसन फाइल को एक बार और देख लेते हैं ताकि हम कोरिलेट कर सकें कि क्या क्या चेंज हुए हैं इस फाइल में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले सब वर्क सेक्शन में आप ये नया सब वर्क फ्लो हुआ है इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि सैम टूल स्टार्ट सैम टूल्स आई डी स्टार्ट फ्लैग स्टार्ट ये सब मॉड्यूल्स जो ये एक सब वर्क फ्लो यूज करता है वो भी आपके मॉड्यूल्स डायरेक्ट्री में एन एफ टूल्स ने इंस्टॉल कर दिया है तो एक मॉड्यूल एक सब वर्क फ्लो बहुत सारे मॉड्यूल से बनता है और जो मॉड्यूल्स हैं वो डेफिनेटली uh, एक, uh, एक 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 टूल से बनते हैं लेकिन जो सब वर्क फ्लो है वो तीन या चार मॉड्यूल्स या कुछ भी एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे डिपेंड कर सकता है और जब आप सब वर्क फ्लो को इंस्टॉल करेंगे तो एन को टूल्स जो है अपने आप उस सब वर्क फ्लो की डिपेंडेंट डिपेंडेंसी uh, वाले मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देगा ताकि आपको खुद कुछ ना मैनेज करना पड़े इसके साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वर्क फ्लो को सब वर्क फ्लो को अपने मेन पाइपलाइन या वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप अपने वर्क फ्लो फोल्डर के अंदर जाके जो पाइपलाइन का नाम है उसको यूज़ करके टॉप पे जाके इसको इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है अभी और इसके साथ आप फिर से लिंटिंग प्रोसेस को रन कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि हर चीज़ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स के साथ इंटीग्रेट हो रही है या नहीं हो रही और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सेशन टू कंक्लूड होता है और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये सेशन यूज़फुल रहा और आप एन कोर कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट कर सकें और कंट्रीब्यूट और कर सकें अगर आप इस इस कम्युनिटी का मेंबर बनते हैं इस इस कम्युनिटी के मेंबर बनते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा पाइपलाइंस की टेस्टिंग होगी और पाइपलाइंस की क्वालिटी चेक होगा और अगर आप इन पाइपलाइंस को अपने एनालिसिस में यूज़ करते हैं या फिर अपने कोलाब्रेशन में यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इन पाइपलाइंस को और एन एफ कोर कम्युनिटी को साइड साइड करिए क्योंकि ये साइटेशंस जो हैं एन एफ़ कोर कम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और द, आप लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है ताकि एन एफ कर कम्युनिटी को और फंडिंग मिल सके जैसे एन एफ जो कम्यूनिटी है इसको अभी फंडिंग है चांद झकबुक फाउंडेशन से और बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर से लेकिन ये डिपेंड करता है कम्यूनिटी के मोमेंटम पर तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस पेज के एंड पे जाते हैं यहाँ पे सपोर्टेड बाय चांद जेकोबुक फाउंडेशन माइक्रोसॉफ्ट एजो एंड एन ए डब्ल्यू एस ऐसे ही जितना ज़्यादा कम्युनिटी हमारे पास होगी जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ओपन साइंस और ओपन कम्युनिटी और ओपन सोर्स ये सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉग है तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग उम्मीद करते हैं कि uh, आप एन एफ़ कोर्स लैग पर हमसे बात करेंगे और अगर आप uh, के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ uh, आप उस सवाल को कोई उस दुविधा को हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल पर uh, चैनल का नाम होगा ट्वेंटी थ्री मार मार ट्रेनिंग हिंदी जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको लग ये चैनल मिल जाएगा तो आज के लिए धन्यवाद आम, कल कंटिन्यू करते हैं सेशन थ्री के साथ बाय